Hello, 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 hello. हेलो हेलो बेटा आई एम ऑडिबल आई एम ऑडिबल अच्छे से सुन पा रहे हो देख पा रहे हो तो फटाफट दिल से आग लगा दो कंटिन्यू करते हैं फिर एक बार दिल से आग लगाओ फिर कंटिन्यू करते हैं और आज कोशिश करेंगे कि आठ नंबर अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो आठ नंबर क्योंकि न्यू टॉपिक ऐड हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है एक से दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एक तो आएगा ही आएगा ठीक है बट वो जाएगा कहीं पर भी नहीं अगर दो क्वेश्चन भी आएंगे तो छूटेंगे नहीं ये पक्की गारंटी है ठीक है और आज हम फ्रॉक को इस तरीके से पढ़ेंगे मानो आपने ह्यूमन पढ़ाओ ठीक है पूरा ह्यूमन का पूरा सिस्टम पढ़ाओ क्लियर है बिल्कुल एक एक सिस्टम ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे पहली बात इससे रिलेटेड एनसीआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन में लेकर के आयु बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एनसीआरटी की लाइन की एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करा देंगे और क्वेश्चन बनेंगे फ्यूचर में तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कुछ नए क्वेश्चन बाहर से तो आए सर तो एनसीआर की जो लाइन है ना वो रिपीट हो जाएगी क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चंस आप समझोगे यार एनसीआरटी को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है एनसीआरटी ऐसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो आ जाओ फटाफट तेजी से दिल से आग लगाओ कंटिन्यू करते हैं फिर बहुत बढ़िया सुपर गजब यार सच में बताए टीचर तो बूस्ट करता ही अपने बच्चों को नो डाउट टाइम टू टाइम पर है समय समय पर बच्चों के बूस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है मतलब मुझे सच में बिलीव नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है ठीक है तो मुझे है बच्चा मतलब डाइवर्ट हो जाता है ठीक है जो आपकी जो लाइव है ना ये मतलब बस ये एनर्जी के लिए सफिशियंट है यार ठीक है मतलब ये एक्चुअल में ये मोटिवेशन ये टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे आपके साथ हैं बच्चा आपके संग मैच को छोड़ करके लगा हुआ है ठीक है मतलब इसका सिलेक्शन पक्का है ठीक है बिल्कुल डाइवर्टेड नहीं है अपने नीट के एक से दो क्वेश्चन यानी आठ नंबर मतलब पक्का करने के लिए सोच करके आया है बहुत बढ़िया सुपर अब स्टार्ट करते हैं यार लगाते हैं ठीक है तो भाई आज का टारगेट क्या होगा आज का टारगेट देखो टी पूरी कवर करेंगे लाइन वाइज लाइन विद कंसेप्ट जहां जरूरत पड़ेगी मैं डायग्राम बना करके जो उस समय एक जमाने में डायग्राम बना करके हर्ट समझाता था वो पूरा कंसेप्ट लेके चलूंगा ठीक है अब यहां दो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है मैं पहले ही बोल दे रहा हूं इस पूरे फ्रॉग में दो चीजें कॉम्प्लेक्स हैं जो बच्चों के समझ नहीं आती पहले ही बोल दे रहा हूं जो लास्ट में आएंगी एक तो यहां पर सर्क्यूलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट वाला पार्ट है ठीक है जिसमें पोर्टल सिस्टम ठीक है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट उसमें कनेक्ट कर सकते हो और तीसरा पार्ट जो समझ में नहीं आता वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जहां से नीट में भी क्वेश्चन आया था जब फ्रॉग सिलेबस में नहीं था बीडर्स होगा आपको ठीक है तो आज एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे ठीक है पहले आउटर फ्रॉग का जो भी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके सिस्टम पर आएंगे उसकी एनाटॉमी पर आएंगे ठीक है एक एक सिस्टम को ह्यूमन से कंपाइल करते हुए क्योंकि कंपाइल स्टडी एकदम ब्रेन में सेट होती है ठीक है कंपल स्टडी लेकर चलेंगे ठीक है, ओके, तो आप से मांग रहा हूं, दो इन दो में क्वेश्चन प्रैक्टिस और पूरा फ्रॉग ठीक है ना हो तो अगले लेक्चर में आपकी इच्छा क्योंकि अगला का जो मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं एवोल्यूशन लेकर के रहा हूं ठीक है अगला एवोल्यूशन है इसके बाद ठीक है उसमें डिसीजन आपका चलेगा तो आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एनसीआरटी ने अपडेट कर दिया है ठीक है जिसमें एनसीआरटी में, में कॉकरोच और एनिमल टिश्यू एनसीआरटी में हटा दिया है पर एनएमसी ने इसको अपने उसमें अपडेट किया हुआ है ठीक है बट यहां पर हम तीसरा क्या ऐड कर रहे हैं फ्रॉक तो जो एनसीआरटी ने ऐड किया हुआ है ठीक है तो स्टार्टिंग करेंगे हम फ्रॉक से एकदम अच्छी तरीके से एकदम रिलैक्स हो जाओ ठीक है एक एक लाइन को समझना है ठीक है स्टार्टिंग के एक दो पैरा बहुत सिंपल है बट समझने की कोशिश करना सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉग आता किसमें है ठीक है आप बोलोगे फ्रॉग भाई क्या है ये फाइलम है क्लास है समझ रहे हो तो एम्फीबिया एम्फी, एम्फी मतलब बोथ जो

ठीक है आगे जाकर के इनसे बने एम्फीबियंस जो टेरिस्टियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में रहने में कैपेबल थे आप समझ रहे हो ना हाँ समझ रहे हो टेरिस्टियल और दोनों कंडीशन में कैपेबल थे वो बने एम्फीबियन तो हम ना क्लास पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया क्लियर है तो फ्रॉक किसमें आता है क्लास एम्फीबिया में आता है क्लियर है बहुत सिंपल तरीके से लेके चलेंगे बिल्कुल मैं इतना बार रिवीजन करा दूंगा दो दो तीन बार रिवीजन करा दूंगा फिर क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो जाएगा सेट होगा दिमाग में हंड्रेड परसेंट ठीक है तो बेटा फ्रॉग कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड द फ्रेश ध्यान रखना मरीन में, मरीन में में फ्रॉग नहीं मिलते अगर किसी क्वेश्चन में मरीन वॉटर में नहीं मिलेगा फ्रेश वॉटर में मिलेगा क्यों क्योंकि ये वॉटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करता है एक्वेटिक कंडीशन में क्योंकि इसमें क्यूटेनियस यानी बॉडी वॉल स्किन से भी रेस्पायरेशन होता है ठीक है तो ध्यान रखना है आपको लैंड पर मिल सकते हैं या फ्रेश वॉटर में मिल सकते हैं ठीक है मरीन वॉटर में नहीं मिलेंगे मैं एक एक चीज को क्लियर कट कर करके समझाऊंगा ठीक है जो किस क्लास को बिलोंग करते हैं मतलब बोथ जो और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर ले वो एम है क्लियर बिल्कुल एम तो फाइलम कौन सा है ये अभी आपको भाई अगला हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो उसमें फाइलम कॉडेटा में आते हैं क्लास एम्फीबिया और मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया के अंदर इंडिया में देखने को मिलती है वो आपको पता होनी चाहिए राना टिगरीना राना टिगरीना तो अगला आपको ध्यान रखना है राना टिगरीना एक तो यहां से क्वेश्चन बनेगा राना टिगरीना से ठीक है लैंड पर मिलते हैं पर फ्रेश वाटर में मिलते हैं ध्यान रखना मरीन वाटर में नहीं मिलते आप क्लास पढ़ रहे हो

भाई इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है ठंडी हो या गर्मी हो पर इंटरनल टेम्परेचर फिक्स है क्योंकि हम सब क्या है हम सब होम्योथर्मिक हैं अपना होम्यो मतलब समान टेम्परेचर होम्योथर्मिक जिनका टेम्परेचर समान रहता है और ऐसे एनिमल को हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं तो ऐसे याद रखो जिनका चैम्बर फोर होता है हार्ट हार्ट फोर होता है भाई बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे अंदर फोर ये याद करने का तरीका बता रहा हूं ठीक है, के है होमियोथर्मिक होमियो का मतलब है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एटमोस्फिर टेम्परेचर हाई हो या लो हो इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है देखो तो आज के लेक्चर में दो फायदे होंगे एक तो आपका फ्रॉक कंप्लीट हो रहा है

कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं मसल्स के अंदर हीट जनरेट हो जाती है पर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना जानते हैं क्यों हाई टेम्परेचर होगा बाहर का तो हम उसको लो कर लेंगे लो होगा तो हम उसको हाई कर लेंगे यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना जानते हैं हम होमियोथर्मिक आप समझ रहे हो होम्योथर्मिक ठीक है जबकि मैं कह रहा हूं कि अगर एम्फीबिया की बात करता हूं एम्फीबिया हो फिश हो समझ रहे हो रेप्टाइल्स हो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना नहीं जानते

वैसे तो एनिमल को आप बोलोगे क्या पोइकलियोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड हम और बर्ड्स कैसे हैं आप बोलोगे होम्योथर्मिक हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं ठीक है एम्सिपिया रेप्टाइल्स ठीक है और फिश कैसे हैं ये पोइकलियोथर्मिक हैं ठीक है इनका बॉडी टेम्परेचर समझ रहे हो एनवायरनमेंट के संग-संग उस पर असर पड़ेगा तो मजबूरी है मजबूरी है जब ठंडी पड़ती है बहुत ज्यादा और गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा तो इनको ठीक है धरती के अंदर या पानी के अंदर जाना पड़ता है अपने को मेंटेन करने के लिए समझ रहे हो हम तो नहीं जाते ठीक है हम मेंटेन कर लेते हैं समझ रहे हो क्योंकि ये पोइलियोथर्मिक है समझ रहे हो कोल्ड ब्लडेड है समझ में आ गया होगा अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने में कैपेबल नहीं है मजबूरी में इनको समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाना पड़ता है आप समझ रहे हो समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं है ना हाइबरनेशन में पड़ा हुआ निष्क्रिय पड़ा हुआ है क्यों क्योंकि तो जब तक बाहर का नॉर्मल नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा ठीक है अभी आ रहे हैं उसके ऊपर तो कोल्ड ब्लडेड है इसको ध्यान रखना है ठीक है यू माइट हैव नोटेड ठीक है चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉक वही समझना मेरी बात अच्छा इससे कनेक्टेड मैं एक लाइन बताता हूं दिस इज समझना मेरी बात ऑल्सो ठीक है नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर जब हम छोटे थे तो हमें लगता था यार ये फ्रॉग बारिश से गिर जाते हैं क्या मुझे रेल बोल रहा हूं ठीक है क्योंकि बारिश होती थी फ्रॉग फ्रोग, फ्रॉग 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 टर टर कर रहे हैं ठीक है तो लगता था कि भाई ये आ कहां से गए क्या बारिश से गिरे हैं आपको भी लगता होगा बचपन में अभी की बात नहीं कर रहा ठीक है ठीक है बाद में क्योंकि हमें नॉर्मल जी अभी नॉर्मल सीजन में तो दिखते नहीं है ये जब बारिश का सीजन होता है ठीक है तभी आपको देखते आप पता है ना आपको क्यों क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं ठीक है हाइबरनेशन और या इसको एस्टिवेशन भी बोलते हैं वो निष्क्रिय अवस्था होती है इनएक्टिवेट स्टेज होती है जब अर्थ के अंदर होते हैं या पानी के अंदर एकदम इनएक्टिव पड़े होते हैं जब इनके अकॉर्डिंग ठीक है जब कह सकते हो रेनी सीजन आता है तब ये बाहर आते हैं और क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन भी वही होता है ठीक है क्योंकि उनको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं ठीक है तब आपको ये अच्छे से दिखते हैं ठीक है तो ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर ठीक है फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड इसकी वजह से क्या हो जाते हैं ये गायब हो जाते हैं समझ रहे हो ना कहा चले जाते हैं दे टेक शेल्टर इन डीप ठीक है डीप अंदर चले जाएंगे बोरिंग टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट या कोल्ड उससे बचने के लिए

समझ रहे हो या प्रे हो या प्रेडेटर ठीक है प्रेडेटर है तो पकड़ के खा जाएगा अगर प्रे है तो चुपचाप से पकड़ के खाना भी तो है समझ रहे हो तो उसे करने के लिए क्या करते हैं अपने को हाइड कर लेते हैं और इस हाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती ना इसको हम क्या बोलते हैं इस हाइड करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैमोफ्लैग कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी ठीक है दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन क्या काम कर रहा है मिमिक्री मिमिक्री एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग अपने की मिमिक्री कर लेते हैं उसके जैसा बना लेते हैं समझ में आया नहीं आया ठीक है तो ये पैरा एकदम क्लियर कट होगा इस पैरा को थोड़ा सा मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है आपको इजिली समझ में आ जाएगा पॉइंट्स के अंदर जैसे आपको ध्यान रखना है राना टिगरीना द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया

ठीक है आप बोल सकते हो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन वाली कंडीशन समर स्लीप में चले जाते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप में चले जाते हैं हाइबरनेशन बोलते हैं ये ध्यान रखना है आपको दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी बोलते हैं दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मेमेक्री आप बताओ ये पैरा समझ में आया नहीं आया यस या नो ये पैरा समझ में आया नहीं आया बेसिक इंफॉर्मेशन अभी हमने फ्रॉक की बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है ठीक है अब धीरे धीरे इसकी पर आ रहा हूं मैं यहां तक क्लियर है तो एक बार दिल से आग लगाओ फटाफट तेजी से तेजी से बहुत बढ़िया सुपर सुपर अरे यार तुमने दिल जीत लिया बस ठीक है यार मैच चलने के बाद अगर इतनी वॉचिंग है सच कह रहा हूं यार मन करता है बस लगे रहो ठीक है चलो ठीक है ना तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे

एक सिंपलाइज होते हैं कंपाउंडाइज इसमें नहीं होते कंपाउंडाइज फ्रॉग में होते हैं सिंपलाइज होते हैं और यहां पर आपको देखो ईयर भी दिख रहा होगा ईयर ये ईयर टिम्पेनम होता है टिम्पेनम या मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं उसको यहां पर एक टिम्पेनम भी होता है टिम्पेनम या ईयर कह सकते हो जो ईयर का पार्ट है

और एबडोमिन आपस में फ्यूज हो गए हैं तो उसको हम ट्रंक टर्म यूज करते हैं क्लियर है बिल्कुल ट्रंक टर्म यूज करते हैं ठीक है अब बात कर रहे हैं इसकी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में हाथ पैर इसकी बात करेंगे एक एक करके आराम समझना ठीक है अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूं ठीक है हैव यू एवर ठीक है समझना ठीक है द स्किन ऑफ फ्रॉग कभी आपने ऐसा समय आया हो कि स्किन की जो फ्रॉक की स्किन उसको टच किया हो भाई मैंने तो किया है मैं हम लोग फ्रॉक को पकड़ने की कोशिश करते थे ठीक है खेतों में जब थे छोटे थे ठीक है तो सुबह के टाइम पर जब हम घूमने दौड़ लगाने जाया करते थे और बरसात का सीजन हुआ करता था तो कोशिश करते तो पकड़ लो यार उसको पर थोड़े बड़े हुए तो फिर डरने लगे ठीक है छोटे थे तब तक पकड़ने की कोशिश करते थे थोड़े बड़े हुए फिर डर आ गया यार समझ रहे हो ना तो स्लिप हो जाता था पकड़ते थे स्लिप हो जाता था क्योंकि इसकी स्किन बहुत मतलब

और म्यूकस क्यों लगा होता है क्योंकि इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करना होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना होता है क्लियर है बिल्कुल इसीलिए इसकी स्किन क्यू समझ रहे हो मेरी कैसी होगी इसकी स्लिपरी होगी स्लिपरी म्यूकस कंटेनिंग स्लिपरी ठीक है द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन ठीक है मॉइस्ट कंडीशन का मेन पर्पस क्या है बता दिया क्यूटानियस रेस्पिरेशन ठीक है मॉइस्ट कंडीशन अगर आपने इसकी स्किन को ड्राई कर दिया तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा ठीक है कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली भाई कैसा था ऑलिव ग्रीन होता है देखने में लगता है ना ऑलिव ग्रीन जैसे दिखता है वो तो हमें ठीक है एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट भी होते हैं इसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट भी दिखते हैं ठीक है ठीक है यहां तक तो क्लियर है अब समझना ऑन वेंट्रल साइड ऑन वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो अगर आपने कभी फ्रॉक को उठा के देखा हो ऐसे उठा करके नीचे देखा हो नीचे नीचे ऊपर से ग्रीन दिखता है पर नीचे से देखोगे ना पेल येलो व्हाइटिस येलो होता है जहां से आप कट लगाते हो कभी आपने बचपन में इसका सेक्शन कट करके इसकी स्टडी की हो इंटरनल बट अब नहीं होता ठीक है हमारे टाइम पर होता था ठीक है तो इसको कट करा करके इसके सारे ऑर्गन की प्रॉपर तरीके से स्टडी कराई जाती थी बट बस मैं बस थोड़ा सा मुझे मतलब फील आता था यार उसको मार तो देते हैं कट कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं पर उसको बाद में फेंक देते हैं उसको मुझे लगता, हमें लगता था यार उसको जिंदा वापस करना चाहिए इसको प्रॉपर सिलना चाहिए इसको समझ रहे हो तो उससे मैं ऐसा फीलिंग होती थी ठीक है तो गलत था तो कहीं ना कहीं जब जिस दिन प्रैक्टिकल होता था तो देखते थे कि बाहर ढेर लगता था इन फ्रॉक का जिनको काट के लोग डाल दिया करते थे ठीक है बाद में गवर्नमेंट ने उसको रोका कि आप इंटेंशनली किसी एनिमल को नहीं मारोगे ठीक है इंटेंशनली ठीक है फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हुई कॉकरोच को भी इंटेंशनली नहीं मार सकते हो ठीक है चलो ठीक है वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन यूनिफॉर्मली पेलियल होती है फ्रॉक नेवर ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन बनता है एक जमाने में क्वेश्चन बनते थे जब फ्रॉक्स सिलेबस में था भाई ध्यान रखना ये कभी भी पानी पीता नहीं है पानी में रहता है पर पानी पीता नहीं है नेवर ड्रिंक वॉटर तो सर पानी लेता कैसे पानी की कमी को स्किन से पूरा करता है स्किन स्किन से समझ रहे हो ना स्किन से पानी की कमी को पूरा करता है कभी भी पानी को ड्रिंक नहीं करता इनटेक नहीं करता बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना ठीक है आपको ध्यान रखना है फ्रॉग नेवर ड्रिंक वॉटर वट एब्जॉर्व इट थ्रो द स्किन तो अभी मैं बेसिक बातें अभी ठीक है अगर देखोगे इसको करना पड़ता है। देखने में ऊपर से ठीक है ग्रीनि स्ट्रक्चर होता है ऑलिव ग्रीन और डार्क इरेगुलर स्पॉट होते हैं पर नीचे से देखोगे तो पेल येलो देखने को मिलेगा ठीक है और नेवर ड्रिंक वॉटर कभी भी वॉटर इनटेक नहीं करता कभी भी वॉटर इनटेक नहीं करता ध्यान रखना ठीक है नेवर ड्रिंक वाटर ये वाटर को कहां से लगता है स्किन के थ्रू लगता है कमी को दूर करता है ठीक है अब आगे बात करते हैं बॉडी में और क्या क्या, -क्या चीजें होती है अगर मैं बॉडी की बात करता हूं तो बॉडी को डिवाइड किया हेड है? और ट्रिंक में डिवाइड किया हेड है, और ट्रंक में यहां पर हेड थोरैक्स एबडोमिन नहीं होते हेड, थोरैक्स, एबडोमिन नहीं होते हेड और ट्रंक होता है क्योंकि ट्रंक इज टू बताया ट्रंक इज टू ट्रंक इसका होता है, ये होता है. Absent, है? इसके अंदर नहीं होती, समझ रहे मतलब एबसेंट यूरा मतलब टेल ठीक है इसको एन यूरा में रखा गया है मतलब ऐसे एनिमल जिनमें टेल नहीं होती

मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स में निगेटिव प्रेशर होता है इसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है मैक्सिमम एनिमल्स के लंग्स में निगेटिव प्रेशर होता है प्रेशर क्या काम करता है प्रेशर वैक्यूम पंप का काम करता है ना चाहते हुए भी एयर को खींच लेता है निगेटिव प्रेशर ठीक है अंदर नेगेटिव है तो एयर का मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगा बट इसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है अगर आपको पॉजिटिव प्रेशर वाले ब्लैडर में जैसे मानो ट्यूब है जिसमें हवा भरी हुई है ऑलरेडी ठीक है अब उसमें आपको और हवा भरनी है तो आपको पंप यूज करना पड़ेगा प्रेशर से पंप से हवा भरोगे प्रेशर से हवा भरोगे क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर, प्रेशर है बाहर से और कम से ज्यादा की तरफ किसी का भी डिफ्यूजन कराना है तो पंप चाहिए बिना पंप के बिना प्रेशर के एयर नहीं जाएगी तो ऐसे ही ये करता है ठीक है ये क्या करता है ये नोस्टल से एयर लेता है और अंदर बक को कैविटी होती है ना मुंह बंद करता है फिर प्रेशर डाल करके एयर को लंग्स में लेके जाता है ठीक है मेरी बात क्योंकि इसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है समझ में आया तो नॉस्ट्रिल इसमें बहुत अच्छी हेल्प करते हैं समझ रहे नेक एंड टेल्स आर एबसेंट पेयर ऑफ दाउथर इज प्रेजेंट ठीक माउथ के ऊपर एक वन पेयर नोस्ट्रिल्स होते हैं पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट ठीक है आईज आर ठीक है बल्जिट बाहर निकले हुए होते हैं कवर्ड बाय निकटेटिन मेम्ब्रेन नेक्टेटिन मेम्ब्रेन जानते हो नेक्टेटिन मेम्ब्रेन इज अ थर्ड आई तीसरी आंख होती है इसकी निकटेटिन मेम्ब्रेन को आप थर्ड आई भी बोल सकते हो समझ रहे हो निकटेटिन मेम्ब्रेन को हम

प्रोफेशनली uh, प्रोफेशनली अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको वो लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोफेशनली आप वो काम करते हो ठीक है तो आपको लगाना होता है तब जब पानी में एंटर करते हो वो क्या करता है आपकी आईस को वॉटर से मतलब जो भी इंफेक्शन जो भी चीज हो प्रोटेक्ट करता है बस इसके पास भी इसके पास भी वही नेचुरल नेचुरल एक मैमब्रेन होती है निकटेटिन मैमब्रेन ठीक है जब भी इसको पानी में जाना होता है ना तो निकटेटिन मैमब्रेन को चढ़ा लेता है आंखों के ऊपर जब बाहर निकलना होता है इसको फिर उतार लेता है ठीक है ऐसे ट्रांसपेरेंट होती है इसके लिए चश्मे का ही काम करती है समझ रहे हो पानी में जब एंटर करता है तो उसको कवर करता है और जब बाहर निकल आता है तो उसको समझ रहे हो खोल लेता है समझ में आया तो उसकी थर्ड आइज निकटेटिन मेम्ब्रेन होती है ठीक है दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर जब पानी में एंटर करता है तो आंखों को बचाती है ऑन अदर साइड ऑफ आइज ठीक है ऑन आइदर ठीक है आइदर साइड ऑफ आइज Eyes के दोनों साइड इधर देखो आइदर साइड ऑफ आइस दिख रहा है साउंड सिग्नल क्योंकि इसके पास टिम्पेनम होता है अगर मैं ईयर की बात करूं ना तो इसके पास इंटरनल ईयर भी होता है इसके पास मिडिल ईयर भी होता है जैसे हमारे पास मिडिल ईयर होता है ठीक है हमारे मिडिल ईयर में थ्री ईयर ऑसिकल होते हैं पर इसके मिडिल ईयर में थ्री ईयर ऑसिकल नहीं होते ठीक है कॉल्यू मेला ठीक है एक तरीके सिंगल ईयर ऑसिकल होता है आप समझ रहे हो ना इसके ईयर में सिंगल ईयर ऑसिकल होता है मिडिल ईयर में हमारे में तीन होते हैं यह अंतर है इसके और हमारे मिडिल ईयर के अंदर इंटरनल ईयर के पास भी है इंटरनल हमारे पास भी है इसका इंटरनल ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करता है हमारा इंटरनल ईयर भी हियरिंग और बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करता है हाँ एक्सटर्नल ईयर में हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है और पिन्ना होता है इसके पास ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना नहीं होता सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनम होता है ईयर ड्रम जो साउंड को रिसीव करता है तो मेम्ब्रेनस टिम्पेनम मेम्ब्रेनस टिम्पेनम समझना मेरी बात ठीक है मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर का काम करता है क्लियर है बिल्कुल आइस के दोनों साइड में होता है ठीक है रिसीव साउंड सिग्नल

समझ रहे हो इनके पास थम नहीं होता ओनली फोर डिजिट्स होते हैं समझ रहे हो ध्यान रखना है आपको अगर मैं फोर लिम्स की बात करता हूँ फोर डिजिट्स होते हैं हाइंड लिम्स की बात करता हूँ फाइव डिजिट्स होते हैं ठीक है कभी आपने डक बत्तख मैं उसके देखे हाइंड लिम्स उनके हाइंड लिम्स में इस तरीके से वैब बने होते हैं जाल टाइप के ऐसे अरे समझना इस तरीके से वैब बने होते हैं इस तरीके से इस तरीके से बने होते हैं ना ये कब क्या कब हेल्प करते हैं जब उसको स्विमिंग करना हो तो इनको खोलता है ओपन करता है ओपन करता है और इस इजीली स्विमिंग में उसको हेल्प लेता है ठीक है तो स्विमिंग के लिए हाइंड लिम्स में वेब्स होते हैं ठीक है समझना साथ में फाइव डिजिट्स होते हैं फोर डिजिट्स नहीं होते जबकि फोर लिम्स की बात करता हूं ओनली फोर डिजिट्स होते हैं और साथ में यहां पर एक कॉपुलेटरी पैड होता है कॉपुलेटरी पैड जब ब्रीडिंग सीजन आता है ना तो जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल को ग्रास्प करता है टाइट से पकड़ने के लिए फीमेल की प्रॉपर तरीके से टाइट से पकड़ने के लिए ग्रास्पिंग के लिए कॉपुलेटरी पैड बन जाते हैं यहां पर ठीक है ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन पकड़ के ड्यूरिंग कॉपुलेशन हेल्प करने में समझ रहे हो ना मेरी बात तो सीरीज की बात है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स सेक्चुअल डाइमोर्फिजम में पूछा जाता है एनसीईआरटी की लाइन है अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूं ठीक है तो इन चारों में हेल्प करेंगे लिम्स मैं हाइंड लिम्स की बात करता हूँ लिम्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने जरा बताओ में डिजिट्स होते हैं ये question पूछा जाता है नीचे वाले limbs में फोर डिजिट्स होते हैं, ठीक है। होते, हैं? Four digits होते हैं समझ रहे है मेरी बात दे आर लार्ज एंड मस्कुलर बहुत मोटे होते हैं हाइंड लिम्स क्योंकि पूरा वजन इन्हीं के ऊपर होता है पैरों पर ठीक है जबकि फोर लिम्स छोटे होते हैं फोर डिजिट्स होते हैं ठीक है ये ध्यान रखना है फीट मतलब है इनके बीच में जाल बना होता है समझना मेरी बात इस तरीके से, से, ऐसे, 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 तो से वेब्स बने होंगे इनमें इस, इस तरीके से होते हैं वेब डिजिट्स जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं वेब डिजिट ठीक है तो समझ गए हो गए वेब डिजिट का मतलब क्या है ठीक है हाँ, लिखा हुआ है है जो में में कर हैं करते क्वेश्चन आता यानी और फीमेल डिस्टिंग्विश अलग अलग होते हैं अगर मैं साइज की बात करूं तो मेल का साइज छोटा होता है फीमेल का साइज कंपैरेटिव बड़ा होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो बता सकते हो भाई ये मेल है ये है या फीमेल इन फीचर के बेस पर तो पहला फीचर तो है मेल का साइज छोटा फीमेल का साइज बड़ा होता है पर एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा ये कोई बात नहीं तो एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं अब मेल का फीचर देखो मेल का फीचर क्या क्वेश्चन आएगा इस पर जो मेल का फीचर होता है ना मेल फ्रॉक का पहला होता है प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ साउंड साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले एक जमाने में आता था क्वेश्चन आता था जब रेनी सीजन होता है रेनी सीजन बरसात का सीजन जब रेनी सीजन होता है तो एक पिक्यूलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉग ठीक है टर टर ये साउंड मेल प्रोड्यूस करता है या फीमेल प्रोड्यूस करता है जरा बताओ ठीक है बताओ ये साउंड जो पिक्यूलर साउंड आती है रेनी सीजन में वो मेल प्रोड्यूस कर पाता है या फीमेल कर पाता है बस अब तो बता दोगे लिखा हुआ है ठीक है वोकल कॉर्ड नहीं बोला मैंने वोकल कॉर्ड नहीं होती है हमारी वोकल कॉर्ड होती है वोकल सैक होता है एक छोटा सा चैम्बर वोकल सैक समझ रहे हो तो ये क्या करता है तो फ्रॉक के फूल जाते हैं है, तो सैक, सैक है, है, ठीक है अब जब तो वोकल सैक को फुल, आ, मेल बिल्कुल 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 ठीक है मेल वोकल सैक को एकदम फुला लेते हैं ऐसे करके ठीक है और इसमें ईयर को रोटेट करते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं पिक्यूलर साउंड ठीक है क्योंकि ब्रीडिंग का टाइम होता है तो फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तो अट्रैक्ट करने के लिए एक सुंदर सी साउंड निकालते हैं उनके लिए वो बढ़िया साउंड है ठीक है थीके? तो पिक्यूलर साउंड निकालते हैं ठीक है जिससे कि फीमेल अट्रैक्ट हो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये मेल के पास होते हैं फीमेल के पास ये फीचर नहीं होता पहला फीचर दूसरा फीचर जब ये ब्रीडिंग करता है तो मैंने बताया था भाई एक फोर लिम्स होते हैं एक हाइंड लिम्स होते हैं समझना मेरी बात ठीक है

ऐसे समझो चार तो फर्स्ट डिजिट होती है ना, तो यहां पर कॉपुलेटरी पैड ना मेरी बात कॉपुलेट्री पैड का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट डिजिट पर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन चार ही डिजिट है इनके पास ठीक है ये क्या काम करते हैं कॉपुलेट्री पैड फीमेल को अच्छे से ग्रास्प करने में पकड़ने में ठीक है के पर, तो ये हो गए, frog, जो में नहीं होते तो समझ में आ गया? इसकी की मैंने बात की है, तो फोर लिम्स की बात हो गई हाइंड लिम्स की बात हो गई फोर लिम्स की अगर मैं बात करता हूं आगे की बात करता हूं तो ओनली फोर डिजिट्स होते हैं छोटे होते हैं ठीक है इनमें कॉपुलेट्री पैड होता है इनकी पहली डिजिट्स पहली थम नहीं होता चार ही डिजिट्स होते हैं

यस yes या नो बहुत बढ़िया सुपर तो मेडिक, मेडिक नजर आ रहे हैं भाई ठीक है चलो आ जाओ ठीक है तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या ध्यान रखना है आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया ठीक है इनकी जो स्किन होती है ठीक है उस पर म्यूकस होता है स्लिपरी होती है क्योंकि इसको क्यूटेनिस रेस्परेशन करना होता है कलर की बात की थी ऊपर का जो कलर है वो ग्रीनिश ऑलिव ग्रीन है जबकि नीचे का पेल येलो है स्पॉट इसकी पूरी बॉडी पर मिलते हैं ठीक है दूसरा मैंने बताया ये कहा मिलते हैं ठीक है ये फ्रेश वॉटर में और टेरिस्टल कंडीशन पर मिलेंगे ठीक है ये कभी भी कभी भी वॉटर इनटेक नहीं करते नेवर ड्रिंक वॉटर ये वॉटर को बॉडी सरफेस से एब्जॉर्व करते हैं इसमें नहीं होती टेल इसमें नहीं होती इसकी बॉडी को हेड और ट्रंक में डिवाइड किया है और ट्रंक ट्रंकल टू क्या होता है ट्रंक इज टू हेड मतलब हेड तो होगा थोरक्स और एपडेम को फ्यूज कर दो तो ट्रंक बन जाएगा ठीक है इसको मैं आगे दिखा देता हूं यहां पर ठीक है अब देखो अभी इसको यहां दिखा देते हैं द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ये ध्यान रखना अब म्यूकस का हेल्प क्या कर रहे हैं भाई मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं क्यों क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन होता है इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है समझ रहे हो ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहां पर प्रेजेंट होता है है इसलिए इसकी जो स्किन होती ना मॉइस्ट म्यूकस कंटेनिंग होती है ठीक है फ्रॉग नेवर ड्रिंक वॉटर वो स्किन ये कभी पानी नहीं पीता स्किन के थ्रू तो उसको एब्जॉर्ब करता है बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक और ट्रंक इज इक्वल टू बता चुका हूं ट्रंक इज इक्वल टू क्या होगा ट्रंक इज इक्वल टू होता है ठीक है थोरैक्स थोरैक्स प्लस एब्डोमिन थोरैक्स और एब्डोमिन को मिला दो तो ट्रंक बनता है थोरैक्स और एब्डोमिन को मिला दो तो ट्रंक बन जाता है ठीक है तो इसमें नेक होगी और ट्रंक होगा क्लियर है बिल्कुल क्योंकि इसकी थोरैक्स और एब्डोमिन फ्यूज होते हैं ठीक है नेक एंड टेल इसके अंदर नहीं होते बता चुका हूं ठीक है एवब द माउथ माउथ के ठीक ऊपर माउथ के ठीक ऊपर वन पेयर नोस्ट्रिल होते हैं एयर को इनटेक करने के लिए ठीक है ये भी क्लियर है निकटेटिन मेम्ब्रेन जो उसकी क्या होती है तीसरी आंख थर्ड थर्ड आई होती है तीसरी आंख होती है जब पानी में इसको एंटर करना होता है तो निकटेटिन मेम्ब्रेन को चढ़ा लेते हैं चश्मे की तरह और वो वाटर से उसको प्रोटेक्ट करती है क्लियर बिल्कुल है मेम्ब्रेनस टिम्पेनम मेम्ब्रेनस समझना मेरी बात इसकी बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट सॉरी इसके ईयर को आप डिवाइड कर सकते हो थ्री पार्ट में पर मेनली जो डेवलप पार्ट होता है इसका वो इन इंटरनल ईयर होगा मिडिल ईयर होगा पर एक्सटर्नल ईयर इसमें डेवलप नहीं होता मेरी बात समझ रहे हो ना एनएमसी <laughs> ने फ्रॉकी इज्जत बर्बाद कर दी ओके okay. ठीक है चलो मैं ईयर की बात कर रहा हूं ठीक है मेब्रेनस टेम्प ठीक है अगर मैं ईयर की बात करूं ईयर में थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूं ईयर ईयर को आप डिवाइड कर सकते हो ठीक है इंटरनल ईयर इंटरनल इसके पास होता है मिडिल भी इसके पास होता है और मिडिल में सिंगल ईयर ऑसिकल होगा सिंगल ईयर ऑसिकल सिंगल ईयर ऑसिकल समझ रहे हो सिंगल ईयर ऑसिकल होता है और मिडल के बाद एक्सटर्नल भी होगा एक्सटर्नल के अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी टिम्पेनम टिम्पेनम होता है ईयर ड्रम ठीक है इसके पास ईयर ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना नहीं होता ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना नहीं होता ये ध्यान रखना है आपको ठीक है

फर्स्ट डिजिट्स ऑफ़ द ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्योंकि उस जमाने में जब से है? पर अपने को मॉडिफाई कर लेता हूं फटाफट अगर एटमोस्फेयर में चेंज होगा तो खुद चेंज कर लो पानी की तरह बन जाओ भाई ठीक है समझ रहे जैसा बर्तन वैसे ढल जाओ ठीक है तो चीजें फास्ट हो जाती हैं समझ में आया नहीं आया अच्छा वॉइस अब बताओ ये ऊपर हो गया थोड़ा सा ठीक है अब बताओ वॉइस परफेक्ट है क्या वॉइस परफेक्ट है वॉइस परफेक्ट है सेल देख लू है हाँ ओके एवरीथिंग इज ओके ठीक है यस yes! क्लियर यहां तक कोई डाउट कोई डाउट बढ़िया चल रहा है एकदम ठीक है चलो बहुत बढ़िया सुपर

जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा जिसमें नर्वस सिस्टम आएगा जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा ठीक है वो समझने के हैं, ठीक है उसमें पॉइंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते उसको उसको समझना पड़ेगा प्रॉपर वे में ठीक है और बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं बहुत सिंपल तरीका ठीक है और फैक्ट है उस जमाने में मैं बोलता था जो फीचर्स फ्रॉक के और ह्यूमन के सिमिलर हैं मत याद करो भाई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा हाँ, वो फीचर्स जो दोनों दोनों को करते करते हैं अंतर करते हैं अंतर क्रिएट के अंदर भाई यहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है फैक्ट बता रहा हूं बिल्कुल ठीक है क्योंकि तो उस जमाने में क्वेश्चन उन पॉइंट से उठते थे जो फीचर कही कहीं ना कहीं ह्यूमन और फ्रॉक के थोड़ा अलग थे ठीक है डिफरेंट थे मैचिंग नहीं करते थे सिस्टम का पर मोस्टली सिस्टम तो मैच करता ही है तभी तो हम स्टडी करते थे समझे चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ तेजी से तेजी से आओ एनाटोमी की बात करते हैं भाई एनाटोमी ठीक है एटोमी में सारे सिस्टम आएंगे कौन कौन से सिस्टम आने वाले एंटोमी में देखो एनडोमी में हम क्या क्या पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम मजा आएगा अभी देखो सर्क्यूलेटरी सिस्टम बहुत आनंद आने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें क्या खास बात है बताता हूं अभी नर्वस सिस्टम सिंपल है इसका ठीक है थोड़ा सा अंतर बताऊंगा सिस्टम थोड़ा सा अंतर है बताऊंगा आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो बहुत अंतर है ठीक है समझ रहे हो अब यहां क्वेश्चन कहां से बनेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा ठीक है अगला क्वेश्चन कहां से बनेगा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा डाइजेस्टिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के अंदर ठीक है आपको सर्क्यूलेटरी और रिप्रोडक्टिव याद करने पड़ेंगे इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते थे क्लियर बिल्कुल तैयार हो स्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम तो याद है ना मैं सारे बैचों में ह्यूमन का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ा चुका हूं ठीक है एनिमल किंगडम पर हम आ चुके हैं और एंड करने वाले हैं सारे बैचेस के अंदर ठीक है मान के चलता हूं कि इंडिया के सारे बच्चे लगभग लगभग इलेवेंथ एंड ही कर रहे हैं समझ रहे हो ना इलेवेंथ एंड ही कर रहे हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूं ठीक है समझ रहे हो क्योंकि इसी के बेस पर हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की है यही थॉट लेकर के ठीक है क्योंकि अभी नहीं हम मान के चल रहे हैं दिसंबर तक तो तुम कर ही लोगे ना इलेवेंथ एंड ठीक है उसके हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज पूरी डिजाइंड है ठीक है तो सिस्टम सारे हमारे क्लियर है अब देखो मजा आने वाला है हम कंपाइल करते हुए चलेंगे पहले उठाते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हमारे और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतर क्या है बताता हूं अभी ठीक है क्या अंतर है स्टार्ट एक एक करके सबसे पहले भाई इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है याद हो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भाई माउथ से स्टार्ट होता है इसके पास ही माउथ होता है भाई फेरिंग्स, इसके पास फेरिंग्स होता है ठीक है ईसोफेगस इसके पास भीगस होती है स्टमक इस इसके पास भी स्टमक होता है

और रेक्टम सीधा रेक्टम सीकम कोलोन है ही नहीं इसके पास समझ रहे हो क्योंकि इसकी इंटेस्टाइन हमारी इंटरस्टाइन से और छोटी होती है समझ रहे हो क्योंकि ये कार्नी क्योंकि ये आप कह सकते तो कार्नी बोर्स होता है ठीक है

एनिमल्स को cellulose का digestion करना है तो उनको अपने अंदर एक या कुछ को पाल के रखना पड़ेगा तब तो माइक्रो रिलीज करते हैं तब जाके सेलोज का डाइजेशन होता है समझ में आ गया इसलिए उनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है पर ये तो इसकी इंटेस्टाइन सबसे छोटी होगी क्लियर बिल्कुल अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूँ ठीक है अगर मैं अगर मैं एनिमल केनाल की बात करता हूं तो समझना इसमें माउथ होगा होगा यार बिल्कुल ईसोफेगस होगी ईसो इसे याद हो जाएगा आपको तुरंत ठीक है ईसोफेगस स्टमक होगा फेरिंग्स मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा ठीक है जरूरत नहीं है स्टमक होगा स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होगी अगर इंटस्टैन की बात करते हैं तो यहां आपको ध्यान रखना इंटरस्टैन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो यहां पर ड्यूडेनम होगी जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है फिर इलियम होगी जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फिर रेक्टम होगा जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड ठीक है अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा यूरिन या जेनाइटेलिया मतलब समझ रहे हो ना यानी कह सकते हो सीमन बीस में एंटर करता है सबकी कॉमन ओपनिंग होती है और रेक्टम किस में खुलता है यह खुलता है क्लोएका क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फीसिस समझ आ मेरी बात इसमें कौन कौन खुलेगा फीकल मैटर फीकल मैटर यूरिन और कह सकते हो गैमीट तीनों की कॉमन ओपनिंग होती है इसको क्लोएका बोलते हैं ठीक है तो माउथ इसके पास है ठीक है प्लस फेरिंग्स भी इसके पास है ड्यूटनम की अगर मैं बात करूंगा तो ड्यूटन में क्या होता है मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूटन में क्या होगा डाइजेशन एलियम में क्या होगा एब्जॉर्प्शन नेचर ने उसको एक डाइजेशन के लिए पार्ट दे दिया एक एब्जॉपन के लिए पार्ट दे दिया और एक अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा करने के लिए पार्ट दे दिया बस ये अंतर है हमारे अंदर उसके अंदर समझ में आया नहीं आया अबे यहां जाओ ठीक है तो समझ में आ गया माउथ और फेरिंग्स है है स्टमक है इंटेस्टाइन के ड्यूटेम इलियम और रेक्टम तीन ही पार्ट होते हैं ड्यूटेम में डाइजेशन इलियम के अंदर एब्जॉर्न क्योंकि तो फिंगर लाइक प्रोजेशन देखने को मिलते हैं रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होता है क्लोका से बाहर निकलता है ठीक है गैबिट भी निकलते हैं यूरिन भी निकलती है और फीकल मैटर भी निकलता है समझ में आया नहीं आया सुपर बहुत बढ़िया सुपर 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 डटे हुए ना अरे जबरदस्त सुपर बेटा सुपर अब आके चलते हैं ठीक है अब खत्म हो गया सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पर ठीक है अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा मैं ठीक है

That open into stomach, which stomach में खुलेगी विच इन टर्न कंटिन्यू एज इंटेस्टाइन जो आगे में में खुलेगा और rectum में खुलेगा, थेके? और और तो ठीक है? तो फाइनली ओपन आउटसाइड फाइनली किसके अंदर ओपन करती है रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलते हैं क्लोएका क्लोएका इज कॉमन ओपनिंग फॉर लिख दे रहा हूं क्लोएका इज अच्छा लिख दिया अ कॉमन ओपनिंग फॉर फिकल मैटर यूरिन और गैमीट अनडाइजेस्टेड फूड यूरिन भी इसी से निकलता है और गैमीट भी इसी से निकलते हैं तीनों की कॉमन ओपनिंग को क्लोएका बोलते हैं समझे क्लोएका ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया आपके सामने आ गया पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बस इतना याद रखना है आपको ब्रेन में सेट रहेगा लिवर भाई लिवर हमारे पास भी होता है गॉलबिटर हमारे पास भी होता है जो बाइल रिलीज करता है तो उसके पास भी लिपिड के डाइजेशन में इसका रोल होता है लिवर सीक्रेट बाइल गॉलबिटर के थ्रू ठीक है

ठीक है कंटेनिंग एंजाइम पर ध्यान ना, pancreas जो होता है ठीक है उसमें तीनों टाइप के न्यूक्लियड छोड़ देना बट इसके अंदर ध्यान रखना है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं जूस में ठीक है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं और फैट के एमल्सिफिकेशन वाले ठीक है बाइल भी होते हैं इसके अंदर ठीक है अब स्टार्टिंग करते हैं जिसमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पेनक्रेटिक जूस में ठीक है अब स्टार्टिंग करते हैं कोई खाने को इनटेक किया इसने फूड इज कैप्चर्ड बाय इसकी टंग कैसी होती है लोब्ड कभी देखिए फ्रॉकी की टंग देखना की जो तो टंग होती है ना आगे से ऐसे बाई फर्केट होती है लोब्ड समझना टंग जिससे कि की कोई कीड़े मकड़े कोई आसानी से पकड़ पाए ठीक है टंग होती है इसकी आसानी से कैप्चर करने के लिए लोब टंग होती है ठीक है डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ स्टमक के अंदर वही चीजें होंगी जो हमारे अंदर होती हैं. एससीएल होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है जो कहां से निकलता है स्टमक से निकलता है wall of the stomach. ठीक है. Partially digested food, हमारे जो स्टमक में partially digested food होता है, हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं काइम समझ रहे ना मेरी बात काइम इज असिडिकार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक मैंने समझाया था आपको ठीक है इससे वही चीज है इस पास्ट ठीक है इस पास्ट फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम द ड्यूडेनम रिसीव बाइल अब ड्यूडेनम क्या काम कर रही है हमारी तरह भाई ये बाइल रिसीव कर रही है गॉल ब्लैडर से और पेनक्रेटिक जूस रिसीव कर रही है फ्रॉम द पैनक्रियास से ठीक है किसके थ्रू थ्रू अ कॉमन बाइल यहां कंफ्यूजन है समझना मेरी बात यहां क्या होता है समझना एक तो आ रही है यहां पर फ्रॉम गौल ब्लेडर. गौल ब्लेडर में बना देता हूं, क्योंकि बिना बनाए आप भूल जाओगे और गलती करके आओगे यह गोल ब्लैडर ठीक है गोल ब्लैडर से आ रही है और समझना एक पेन से डक्ट आ रही है यह पेनक्रेटिक रही है यह पेनक्रेटिक डक्ट है ये पेनक्रेटिक है टिक डक्ट और की डक्ट दोनों मिलकर के जो डक्ट बनाएंगे आपको लगेगा डक्ट बना रहे ना रहेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट नहीं बना रहे आपको याद रखना है ठीक है ये क्या है इट इज अ कॉमन बाइल डक्ट है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है और बच्चे गलत करके आते हैं कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर क्योंकि दिमाग में रखता है डक्ट नो इट इज अ कॉमन बाइल डक्ट क्योंकि समझ रहे हो ना इट इज अ कॉमन बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर और से से मिलने डक्ट से बन रही है कॉमन बाइल डक्ट ठीक है तो पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास ठीक है दोनों किसके भाई ड्यूडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास थ्रू अ कॉमन कॉमन बाइल डक्ट ठीक है फैट, फैट कार्बोहाइड्रेट को करता है और किसको करता है प्रोटीन को करता है ठीक है सारी बातें ध्यान रखना सब पर क्वेश्चन है एक एक पॉइंट को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जिससे कि आपको ये चीजें दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में एकदम ब्रेन में सेट हो जाए अभी लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम ठीक है

बहुत सारे फिंगर लाइक फोर्स होते हैं इन फिंगर लाइक फोर्स कहां पर होते हैं इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में भी कहां पर पर इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहां ठीक ठीक है है और Gigenum दोनों में होते हैं। पर मैक्सिमम कहां पर होते हैं इलियम के अंदर ठीक है जिनको हम विलाई और माइक्रो विलाई बोलते हैं द अनडाइजेस्टिड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम रेक्टम में सिर्फ अनडेस्टेड सॉलिड वेस्ट आकर इकट्ठा हो जाता है जो क्लोएका के थ्रू बाहर निकलता है क्लोएका के थ्रू बाहर निकलता है क्योंकि कॉमन ओपनिंग फॉर अब एक्सक्रीटाटा में यूरिन भी आता है और फीकल मैटर भी आता है एंड जनाइटेलिया जिसके अंदर गैमीट्स आते हैं अब बताओ समझ में आया नहीं आया डाइजेस्टिव सिस्टम अब डायग्राम भी देख लो क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है अगर डायग्राम देखोगे तो भाई ये हार्ट है अभी पूरा डायग्राम भी बनाऊंगा इसका मैं सिस्टम है ये हार्ट है हार्ट से ये चुप दिख रहा है ना इट इज अ कह सकते हो वेना कैबा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है इसमें ब्लड नीचे से ऊपर जाता है नीचे से ऊपर हार्ट में जा रहा है डी ब्लड वेना ना कहवा ठीक है ये आपको लिवर दिख रहा है लिवर गॉल ब्लेडर क्लियर बिल्कुल ठीक है अब यहां से ईसोफेगस इसोफेगस से स्टमक स्टमक से इंटेस्टाइन और फाइनली एंटर करेगी किसके अंदर रेक्टम के अंदर और रेक्टम में ध्यान से देखोगे रेक्टम के अंदर आपका यूरिटर भी, भी, <laughs> यूरी भी खुल रहा है रेक्टम में यूरिनरी ब्लैडर भी लगा है समझना मेरी बात रेक्टम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी है रेक्टम में यूरिटर भी खुल रहा है समझना मेरी बात और रेक्टम में सॉरी हां रेक्टम के अंदर देखो यूरिनरी यूरिटर भी खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर भी खुल रहा है ठीक है और भाई किडनी के ठीक ऊपर किडनी के ठीक ऊपर होते हैं नहीं नहीं दिखा इन्होंने कोई दिक्कत तो है, है? मेल के मैं आगे बताऊंगा ठीक है तो इसको क्लोएका बोलते हैं अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनिटेलिया में लिख दे रहा हूं क्लोएका में तीन चीजें होंगी यूरिन भी खुलेगी अंडाइजेस्टिड फूड और तीसरा क्या होगा क्लोएका के अंदर यूरिन और क्या होगा गैमिट मेल गैमिट मेल या फीमेल कुछ ओबा भी इसी में आता है गैमिट लिख देते हैं गैमिट्स तो तीनों की कॉमन ओपनिंग जो होती है वो क्लोएका होती है क्लोएका अपर्चर इट इज ओपनिंग जैसे हमारे में एनस होता है ना एनस ऐसे यहाँ क्लोएका होती है एनस से सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है क्लोएका से तीनों चीजें निकलती है कॉमन ओपनिंग

यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पूरा क्लियर है कोई दिक्कत ही नहीं है याद क्या रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो लिखा है मैंने ये पार्ट याद रखना है ग्लैंड सिर्फ दो ही है यहां पर एलिमेंट्री किनाल में अगर मैं ग्लैंड की बात करता हूं ग्लैंड्स में आपको एक तो लिवर याद रखना है और एक पेनक्रिया याद रखना है बस पैनक्रियाज केनाल में माउथ फेरिंग सीसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में सिर्फ और रेक्टम और रेक्टम की ओपनिंग क्लोएका फिनिश ठीक है इसके अलावा कुछ भी नहीं है और सब अपना ही है जो हम याद रखते हैं ठीक है चलो अब बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी को कोई डाउट मैंने डायग्राम उसी में ऐड कर दिया स्लाइड की जरूरत नहीं है अब अब फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर बस खत्म होने वाला बहुत जल्दी फिर क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं ठीक है एक सिस्टम हो गया अब रेस्पिरेटरी फटाफट रेस्पिरेटरी छोटा सा ही है ठीक है समझ रहे हो बस तुम आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाओ आधा पौना घंटा में चैप्टर खत्म फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसमें मजा आएगा ठीक फटा फट फटा 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 फट है फटाफट बताओ फटाफट फटाफट मुझे है ठीक है बहुत बढ़िया सुपर सुपर ठीक है अब मुझे यह बताओ फटाफट ठीक है यहां तक कोई डाउट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर साउंड बताओ साउंड परफेक्ट है क्या वॉइस लो लो साउंड एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं साउंड के लिए बोल देता हूं ओके okay. भाई कोई सुन रहा हो तो साउंड एक बार देख ले हेलो एक मिनट साउंड देखना लो आ रही है क्या मतलब सिस्टम की तरफ से चेक कर रहा है एक मिनट अरे एक मिनट साउंड चेक करो बच्चे साउंड लो बता रहे हैं ओके okay. अच्छा ऑल ओके 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 डन 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 ठीक है ओके okay. बहुत बढ़िया सुपर कोई नहीं ठीक है चलो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ध्यान रखना है आपको दो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉग रेस्पारेशन किस किसके थ्रू करता है पर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कंडीशन पूछेगा कंडीशन पूछेगा कि फ्रॉग जब पानी के अंदर है डूबा हुआ है बताओ कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज होगा पहला जब फ्रॉग की लार्बल स्टेज होती है लार्बा होता है फ्रॉग लार्बा फ्रॉग नहीं अभी लार्बा है तो बताओ रेस्पायरेशन किसके थ्रो करेगा टेडपोल बोलते हैं ठीक है फ्रॉग जब टेरिस्टियल कंडीशन पर है धरती पर है समझ रहे हो तो बताओ रेस्पारेशन किसके थ्रो करेगा समझ रहे हो ना मेरी बात इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कंडीशन बेस्ड तो समझना मेरी बात जब फ्रॉग पानी में होता है ठीक है पानी में होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है रेस्पारेशन का क्या स्किन स्किन क्योंकि एडल्ट फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते सिर्फ लार्वा के पास होते हैं हाँ, जब कंडीशन पर है है तो स्किन से भी कर सकता है, क्योंकि स्किन स्किन होती होती है -containing, -containing होती है म्यूकस कंटेनिंग कंटेनिंग मॉइस्चर पहला दूसरा क्वेश्चन कि जब वो टेरिस्ट्रियल कंडीशन पर होगा और मालूम पड़ रहा है कि हाँ एटमोस्फियर में मॉइस्चर कम है तो वो माउथ को ओपन कर लेगा बोकोफेरेंशियल क्योंकि उसकी जो माउथ की कैविटी होती है ना अंदर का पूरा पार्ट होता है वो भी म्यूकस कंटेनिंग होता है हाईली ब्लड वेसल्स होते हैं तो एयर वहां से भी डिफ्यूज हो जाती है बक्कल कैबिटी से भी कर लेता है और लंग्स तो छोटे होते ही हैं पॉजिटिव प्रेशर होता है तो उसमें प्रेशर से एयर डाल करके उससे भी रेस्पिरेशन कर लेता है तो कंडीशन बेस्ड है कंडीशन बेस्ड रेस्पिरेशन होगा समझना मेरी बात तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो अब दो कैसे आएंगे इसके अंदर एक तो आएगा एडल्ट आएगा लार्वा। लार्वा में गिल्स मिलते हैं ओनली गिल्स तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको हां अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो गिल्स नहीं होते एडल्ट में तीन चीजें होती हैं ठीक है एक तो क्यूटेनियस स्किन के थ्रू करता है स्किन इसको क्यूटेनियस बोलते हैं एक लंग्स के थ्रू बोलता है लंग्स लंग्स इसको पल्मोनरी बोलेंगे ठीक है और तीसरा है बक्कल कैबिटी बक्कल कैबिटी ठीक है ये तीन ही कंडीशन है समझना मेरी बात फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड द वॉटर बाय टू डिफरेंट मैथड भैया अलग अलग मैथड है ठीक है जैसे इन वॉटर जब पानी में होगा तो उसके पास एक ही तरीका है पानी में सिर्फ स्किन ठीक है समझ रहे हो पानी में सिर्फ स्किन इसलिए इसके पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं पानी के अंदर रेस्पिरेटरी होगा स्किन होगा डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर इज एक्सचेंज थ्रो द स्किन हा एक चीज और लिखनी थी इसके अंदर ठीक है मैं लिख देता हूं यहां पर ही जब पानी में होगा वाटर में होगा तो स्किन वाटर में एक ही कंडीशन है ठीक है पर जब लैंड पर होगा टेरिस्ट्रियल कंडीशन पर होगा ठीक है समझ रहे हो ऑन लैंड लैंड पर तीनों तरीके यूज करेगा ठीक है लैंड पर तीनों तरीके से रेस्पिरेशन कर लेता है समझना मेरी बात ठीक है ऑन लैंड लैंड पर तीनों तरीके से होगा स्किन भी कर सकता है लंग्स भी कर सकता है बक्कल कैबिटी से भी कर सकता है दो बातें ध्यान रखनी है ठीक है डिफ्यूजन के थ्रू होगा ऑन लैंड लैंड पर क्या बक्कल कैबिटी भी यूज करेगा स्किन भी यूज कर सकता है और लंग्स भी यूज कर सकता है लंग्स भी यूज कर सकता है नॉस्ट्रिसके तो थ्रो ठीक है? ठीक है? ठीक है? एंटर करेगी नॉस्ट्रेल से एंटर करेगी ठीक है फिर कहा जाएगी बक्कल कैविटी में जाएगी वहां से कहां जाएगी लंग्स में जाएगी सिंपल तरीका हा जब ड्यूरिंग एस्टिवेशन ये पूछेगा या हाइबरनेशन एस्टिवेशन समर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं समझना एस्टिवेशन एस्टिवेशन समर स्लीप को बोलते हैं समझना और हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं समझ रहे हो इस समय गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू ओनली स्किन ओनली स्किन समझना मेरी बात जब भी तीन कंडीशन आ गई पानी में है क्या करेगा ओनली स्किन हाँ, जब मिट्टी के अंदर है ठीक है निष्क्रिय पड़ा हुआ है लंग्स यूज नहीं करेगा बक्कल कैविटी अंदर गड्ढे में खोलेगा नहीं नाक यूज करेगा नहीं लग्स यूज नहीं करेगा तो एक ही तरीका है क्यूटेनियस हाइबरनेशन एस्टिवेशन में क्यूटेनियस पानी में क्यूटेनियस समझ रहे ना मेरी बात हाँ पर जब अर्थ पर आएगा लैंड पर आएगा खुल के ठीक है स्किन से भी करेगा नॉस्टिल से भी करेगा मतलब तो लंग से भी करेगा और बक्कल कैपिटी से भी करेगा तीनों ऑप्शन के पास खुले होते हैं समझे या नहीं समझे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है ठीक है कंडीशन बेस्ड तीनों कंडीशन लिख दी मैंने वाटर में होगा एक ही कंडीशन है ठीक है वाटर के अलावा एंड वाटर के अलावा और कंडीशन क्या है हाइबरनेशन एस्टिवेशन करेगा तब भी स्किन के थ्रू ही करेगा क्यूटेनियस स्किन के थ्रू क्यूटेनियस हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम पर तो ये इतने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर समझ में आ गया हो तो अब बताओ सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी को कंफ्यूजन बताओ तीन कंडीशन बताइए ठीक है पहली कंडीशन जब लार्वा होता है तो उसके पास एक ही चीज होती है गिल्स बस पानी में रहता है मछली जैसा होता है बस ठीक है जब एडल्ट होता है तो गिल्स नहीं होते क्यूटेनियस होगा लंग्स के थ्रू होगा पल्मोनरी और बक्कल कैबिटी के, के थ्रू होगा पर कंडीशन वाली कंडीशन के अंदर क्यूटेनियस पानी के अंदर क्यूटेनियस लैंड पर आ जाएगा तब तीनों तरीके से करेगा क्यूटेनियस भी करेगा लंग्स के थ्रू पल्मोनरी भी करेगा और बक्कल कैबिटी से भी करेगा अब बताओ एनी डाउट नो डाउट बहुत बढ़िया बहुत सुपर फैट बॉडीज का फंक्शन बताऊंगा टेंशन मत करो भाई मैंने याद हो जब टिश्यू पढ़ाया था तो बोला था हमारी आई बॉल के चारों तरफ फैट बॉडीज होते हैं फैट होता है हमारे हार्ट के चारों तरफ फैट होता है हमारे किडनी के चारों तरफ फैट होता है ये शॉक एब्जॉर्बन का काम करता है ठीक है तो ऐसे टेस्टिस के ऊपर फैट बॉडीज होते हैं अभी अभी रिपोर्डक्शन बताने वाला हूं मैं सुपर ओके सुपर बहुत बढ़िया तुम्हारे दिल बता रहे हैं कि बस मजा आ रहा है ठीक है दिल और आग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ जबरदस्त सेट हो गया यहां पर ठीक है तो सबसे पहले मैंने बेसिक बातें बताई थी फ्रॉक की सेकंड पैरा के अंदर मैंने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई फिर आगे जाकर के हमने उसकी एनाटॉमी स्टार्ट की है डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम क्लियर है मैंने जो नीचे पॉइंट लिखे हैं उनसे बस वही याद रखने हैं आपको रेस्पारेटरी में पॉइंट लिखे हैं बस वही याद रखने कंडीशन बेस्ड रेस्पायरेशन अब तीसरा हम बात करेंगे इसका रेस्पारेशन के बाद आएगा इसका सर्क्यूलेटरी सिस्टम ये समझने वाला है यार थोड़ा सा समझने वाला है ठीक है या थोड़ा सा आप कहोगे सर एक बार और ठीक है मुझे पता है हाँ समझे तुम क्या पूछना चाह रहे हो इस डायग्राम में पेनक्रियास पूछ रहे हो उस डायग्राम में पेनक्रियास नहीं दिखा रखा क्योंकि इस डायग्राम के अंदर यहां दिखा लिवर दिखा रखा है ईसो दिखा रखी है लिवर भी दिख रहा है साफ साफ इसलिए ठीक है पेनक्रियास डायग्राम में नहीं दिखा रखा पर पेंक्रियास सेम वैसे ही वहीं कनेक्ट करता है उसी के अंदर लिवर भी गोलबेटर भी नो ऐसे ही दिखा दिया है आधा मिलकर बनता है पहले पता होना चाहिए हमारा सर्कुलेशन ओपन होता है या क्लोज कहानी यहां से स्टार्ट होती है जिन एनिमल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लाइक कॉकरोच समझ रहे हो लाइक सेंगूबरस जहां पर ओपन होगा तो वहां पर ध्यान रखना है ब्लड वेसल्स बहुत पुअरली डेवलप होते हैं मेनली एक कैविटी होती है जिसको हीमोसील बोलते हैं ठीक है ओपन वाले के अंदर बट क्लोज सिस्टम में पूरी बॉडी में डेंस नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड कैपिलरी होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस अगर पिगमेंटेड ठीक है ब्लड है मतलब उसमें कोई हीमोग्लोबिन लाइक -like है तो ठीक है तो डिफरेंस देख लेते हैं भाई हमारे हमारे इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अंतर क्या क्या है देखो तीन चीजें इसके पास हैं हार्ट है इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं समझना सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी तीन चीजें होंगी हमारे अंदर भी तीन चीजें होती हैं पहला हम हार्ट की बात कर लेते हैं हमारा हार्ट कितने चैंबर वाला होता है फोर इसमें कितने होंगे थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर होंगे इसके हार्ट में ठीक है जिसमें दो तो एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा बस इतना ध्यान रखो ठीक है दो एट्रिया होंगे एक वेंट्रिकल होगा ठीक है प्लस इसके हार्ट दो एडिशनल चैम्बर से जुड़े होते हैं समझ रहे हो बेटा मैंने पूछा जैसे अपने से इसका कंपैरिजन करो अपने हार्ट से इसके हार्ट का कंपैरिजन करो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात हाँ साउंड ठीक है सर ओके ओके मैंने बोल दिया फिर भी एक बार ठीक है बाय चांस के लिए ठीक है इसलिए बाय चांस किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है तो ठीक है ठीक है इसके अलावा मैं बोल रहा था इसके अलावा इसके अलावा यहां दो चीजें और पढ़ाने वाला हूं मैं एक तो साइनस वेनोसस प्लस एक ट्रंकस आर्ट्रियोस जिसको कोनस आर्ट्रियोस भी बोलते हैं कोनस समझाता हूं अभी ठीक है कोनस आर्ट्रियोस तो पर क्या क्या मिलने वाले हैं? एक तो हार्ट मिलने वाला है कितने चैम्बर होते हैं थ्री चैम्बर्ड होते हैं दो एट्रिया होते हैं एक वेंट्रिकल होता है इसके अलावा दो एडिशनल चीजें बताऊंगा इसके अंदर में एक तो साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कलेक करेगा एक ट्रंकस आर्टेरियोस आर्टेस यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है कौन शेप में होता है सो इट्स कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा पूरा डायग्राम बना करके क्या है यही समझने वाला पार्ट है बात बाकी का सिंपल है ठीक है अब हार्ट के बाद अगला क्या बताने वाला हूं ब्लड ब्लड ठीक है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है हीमो ग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रेजेंट है आरबीसी आर बीसी होते, है, होते हैं ठीक है ओवल शेप होते हैं प्लस न्यूक्लिएटेड होते हैं ठीक है और यहां पर ब्लड एंड लिम्फ भी होता है लिम्फ भी प्रेजेंट होता है जिसमें विदाउट हमारी तरह विदाउट आर बी सी प्लस प्रोटीन हमारे लिव में भी आरबीसी और माइक्रोप्रोटीन नहीं होते इसके पास भी नहीं होते ठीक है तो ये तो उसका ब्लड वाला पार्ट हो गया ठीक है ये हार्ट वाला पार्ट हो गया हीमोग्लोबिन है तो कलर्ड होता है ठीक है अगला क्या आएगा ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स प्लस पोर्टल वेन भी होते हैं पोर्टल वेन पोर्टल वेन याद आ गया पोर्टल वेन हमारे अंदर हिपैटिक पोर्टल वेन होती है ठीक है तो इसके पास दो टाइप की पोर्टल वेन होती है एक तो रीनल पोर्टल वेन होती है इसके पास रीनल पोर्टल वेन होती है पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा एक हिपैटिक होती है हिपैटिक पोर्टल वेन

और एनिमल में नहीं मिलता यही मिलता है और क्या होता है अभी डायग्रामेटिकली बताऊंगा एक एक चीज ठीक है अब बताओ ये समझ में आया ये तो बेसिक बता दिया मैंने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं किया मैंने अभी बेसिक ड्रॉ किया है मैंने कि सर्क्यूलेटरी सिस्टम इन तीन चीजों के मिलने से बनता है किसी भी एनिमल का उठा लो ठीक है हाँ इसका ओपन होगा या क्लोज 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 टाइप Close type, तभी तो blood vessels देखने को मिल रहे हैं क्लोज टाइप है हार्ट ब्लड लिम्फ एंड ब्लड मिलने से बना है ये basic draw कर दिया इसको diagramatically represent करूंगा मैं ठीक है आप सुनो पहले देखता हूं हूं फिर diagram पर आ रहा हूं। The vascular system of frog is well developed. किस टाइप का है क्लोज टाइप का है क्लोज टाइप का है ठीक है फ्रॉग है सिस्टम यस लिम्फेटिक सिस्टम यहां पर मिलता है

लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है ये तो आप जानते ही हो लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स भी होते हैं जिनको अलग से होते हैं याद रखना लिम्फेटिक सिस्टम में सेपरेट लिम्फेटिक हार्ट होते हैं पर एनसीआरटी इतना डिटेल में लेके नहीं जाती तो मैंने भी नहीं लिखा है इसलिए उस पर क्वेश्चन आएगा भी नहीं ठीक है ठीक है हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर अब मैं हार्ट पर आ रहा हूं सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी भाई आपको बताया थोड़ा से कैविटी में ऊपर ही होगा हार्ट ठीक है इट हैज थ्री चैम्बर्ड बता चुका हूं उसमें तीन चैम्बर्ड होते हैं दो तो इसमें एट्रिया होते हैं और एक इसमें वेंट्रिकल होता है वन वेंट्रिकल होता है और हार्ट की कवरिंग आप जानते हो कवर्ड बाय बान पेरिकार्डियम हमारे हार्ट में भी पेरिकार्डियम होती है यहां पर भी पेरिकार्डियम है इतने में कोई दिक्कत नहीं है कि अब समझने वाली अब आएगी माता पक्षी वाली बात ट्रेंगुलर अब यहां से समझना स्टार्ट होगा और किसी के पल्ले नहीं पड़ता आज एकदम होगा, इन चेंबर की venusus, इनका राज क्या है फ्रॉग में ये क्या कर रहे हैं आगे आगे गायब हो गए थे आगे वाले हर्ट में, एम्फीबिया के बाद, में नहीं मिलते ठीक है इसके पास दो एओटा होते हैं हमारे पास एक एटा होता है पूरा समझाता हूं अभी ठीक है अट्रेंगुलर अब समझना अट्रेंगुलर ठीक है वेंट्रिकल वेंट्रिकल एंड तो ट्रेंगुलर यहां समझो इसको मैं थोड़ा सा गाइब कर दूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो चला पार्ट मैंने वहां करा दिया है ठीक है ये यहां से पेरिकार्डियम तक है ना हाँ, अब देखते हैं अट्रेंगुलर अट्रेंगुलर स्ट्रक्चर अब ये समझने वाली बात है साइनस वैनोसस ज्वाइंट द राइट एट्रियम समझना सब पूरा सब समझाऊंगा रिसीव ब्लड थ्रो द मेजर वेन वेना कैबा यहां से ब्लड रिसीव करता है ठीक है द वेंट्रिकल्स अब मैं वेंट्रिकल ये एट्रियम की बात कर रहा हूं अब वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक ये एक अलग सैक में ओपन करते हैं ठीक है लाइक कोनस कोन जैसा होता है इसीलिए इसको ठीक है कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं वेंट्रल साइड में होता है ये दो चैम्बर समझने होंगे आपको तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अब देखो अब समझाता हूं अच्छी तरीके से ठीक है मैं हार्ट की बात कर रहा हूं तो हार्ट में ये एक चैम्बर हो गया ये दूसरा चैम्बर हो गया और नीचे ये एक वेंट्रिकल हो गया ये और ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, का, समझ रहे थ्री ये राइट है ये लेफ्ट एट्रिया है और ये कॉमन वेंट्रिकल है क्लियर है बिल्कुल समझना ये कॉमन वेंट्रिकल है समझना मेरी बात ठीक है

इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा अच्छा इसको पूरा ही ड्रॉ करूं तब मजा आएगा आपको ऐसे नहीं जगह है नहीं है कोई नहीं अब देखो पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर करूंगा देखें एंटी वाले क्या करते हैं हमारे बच्चों के साथ छाप के रख देंगे ब्रेन में ठीक है तो होता क्या है समझो मेरी बात ये ऐसे 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 एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है फिर नीचे ये एटा ये ऐसा ये नीचे गया देखो थोड़ा सा टाइम तुम्हारा लूंगा पर पढ़ाऊंगा ऐसा कि जिम जिंदगी भर फिर क्वेश्चन एंटी आते कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं तुम्हारे लिए ठीक है अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई नहीं चलेगा कम कर देता हूँ उसको देखो हो ये होता है इस तरीके से ठीक है ये किडनी है और किडनी के ऊपर किडनी के ऊपर यहाँ पर टेस्टीज होते हैं किडनी के ऊपर पर टेस्टीज टेस्टीज होते हैं हैं ये अलग है। एकदम समझाता हूँ अच्छी तरीके से ठीक है ये किडनी है और किडनी खुलते हैं किसके अंदर ये तो आपको पता है यूरिटर ये यूरिटर किडनी में यूरिटर ये यूरिटर आया इसका यूरिटर ये आया और ये कहा खुलेगा ये आप जानते हो नीचे क्या होगा यहाँ पर यहां पर यहां पर क्या होगा क्लोएका होगी जिसमें यूरिनरी ब्लैडर लगा हुआ होगा ठीक है इस तरीके से ओपन होगा ना अब समझना यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा डी ब्लड यहां से ऊपर जा रहा है बॉडी के लोअर पार्ट से डी ब्लड ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है डी ब्लड एक्चुअल में नीचे से ऊपर जा रहा है ये ऊपर ये क्या किडनी ये क्या, क्या किडनी ये क्या है टेस्टीज समझना ये क्या है यूरिटर समझना तो यहां से डिओक्सी जेनेटेड ब्लड सीधा ऊपर जाता है किडनी से होता हुआ फिर यहां डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड समझना मेरी बात ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डिओक्सी ब्लड यहां आ रहा है ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डिऑक्सी ब्लड यहां आ रहा है ये यहां से आ रहा है समझना मेरी बात ये पूरी बॉडी का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इस छोटे से कौन जैसे स्ट्रक्चर से जिसका एनसीआरटी ने नाम क्या दिया है इसका NCRT ने नाम दिया है साइनस वेनोसस साइनस वैनोस समझना मेरी बात बिल्कुल एनसीआरटी की बात लेके चल रहा हूं मैं इसको क्या बोलते हैं साइनस वैनोस समझना ये क्या है साइनस वैनोस समझना पूरा एनसीआरटी वाला समझा रहा हूं साइनस अलग से नहीं है एनसीआरटी साइनस वैनोस एक ट्रेंगुलर चैंबर होता है इस चैम्बर में यहां पर एक होल होता है ये होल ठीक है ऊपर से भी डीऑक्सीजেনেটেড ब्लड आ रहा है ये वेना केवा है प्री केवाल बोल सकते हो लेफ्ट राइट प्री केवाल ये सब प्री केवाल हैं प्री केवाल्स याद आ गया ना वेना केवा ये सब वेना केवा हैं ये सब क्या है वेना केवा ये भी वेना केवा है वेना केवा याद आ गया ये भी वेना केवा है वेना केवा प्री केवाल ये पोस्ट के बाद बोल सकते हो ये भी वैना कहवा है वेना कहवा, अपने हार्ट में ना महाधमनी जो, जो ब्लड को समझना यहां दिखाऊंगा मैं आपको हार्ट ये हार्ट है आपका ये एक चैम्बर हार्ट का ये दूसरा चैंबर हार्ट का और दोनों चैंबर एक ही वेंट्रिकल में खुल रहे हैं है बिल्कुल तो यहां से कैसा ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हुआ सीधा एंटर करेगा राइट साइड के एट्रियम में समझना मेरी बात ये कहां एंटर करेगा राइट एट्रिया के अंदर तो कैसा ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा ब्लड इस राइट हो राइट एट्रियम से, से. डायरेक्ट राइट में कोई चीज एंटर नहीं कर रही है, सारा साइनस में आ रहा है। तब एट्रियम में एंटर कर रहा है yes या नो यस yes या नो समझ में आया नहीं आया सारा डिओक्सी ब्लड साइनस वेनोसस में इकट्ठा हो रहा है बेटा तब जाकर के राइट एट्रिया में एंटर करेगा राइट right एट्रिया में डी ब्लड समझ रहे हो समझ मेरी बात ठीक है और यहां से क्लियर बिल्कुल राइट right यहां राइट ठीक है ठीके? अब यहां इस, इस अब जी कौन सा होगा इधर लेफ्ट एट्रिया होगा लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया से लंग्स से ठीक है यहां से क्या होगा लंग्स मान लो अरे लंग्स तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां पर आएगा लेफ्ट एक्टेरिया में आएगा हमारे अंदर भी तो ऐसा ही होता है सेम इसके पास भी ऐसा ही है क्लियर है फिर यहां पर आकर के दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ये आप जानते ही हो ठीक है अब वेंट्रिकल के अंदर दोनों मिक्सिंग हो जाएगी तो मिक्स ब्लड को पंप करता है अब मिक्स ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में ठीक है अब यहां पर ये तो ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया ये जुड़ा हुआ है किससे राइट right एट्रिया से अब वेंट्रिकल से कौन जुड़ा हुआ होता है वेंट्रिकल से देखो एनसीआर बोल रही है मेजर वेंस है ठीक है? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर ओपन कौन, वेंट्रल साइड तो में समझना ये डॉर्सल साइड है ये कहां अटैच होता है डॉर्सल साइड ये कहां अटैच होगा डोर्सल साइड डॉसल साइड मैं पूछूं वेंट्रल साइड पर हार्ट के वेंट्रल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होगा वेंट्रल साइड समझना वेंट्रल साइड समझो वेंट्रल साइड में जो स्ट्रक्चर अटैच होगा ना वो ऐसा होगा ये ऐसा कौन जैसा और यहां से बनेगा एओर्टा एक नहीं दो दो एओर्टा ये एओर्टा और ये एओर्टा समझ दो दो एओर्टा है और दोनों एओर्टा आगे जाकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं कॉमन डक्ट जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी ये ऐसे ऐसे समझना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ इसमें इससे पूरी बॉडी में जाएगा यहां से होता हुआ इसमें इससे पूरी बॉडी में जाएगा समझ रहे हो यानी वेंट्रिकल वेंट्रिकल ये वेंट्रिकल

दो चैम्बर होते हैं एक्स्ट्रा चैम्बर एक आगे होता है एक पीछे होता है दो चैम्बर होते हैं हार्ट के समझना मेरी बात ये टोटल कंसेप्चुअल है एनसीआरटी की लाइन किसी के समझ में नहीं आती समझना और कोई समझाता भी नहीं है इस लाइन को ऐसे उड़ा के निकल जाते हैं ठीक है ठीक है कुछ टीचर समझाते भी हैं नो डाउट ठीक है बट मैक्सिमम टीचर अक्सर कर निकल लेते हैं क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल है ठीक है तो अब समझ में आएगा कि साइनस साइड पर लगा हुआ होता है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रंकस क्या बोलने वाले हैं इसको ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस आर्ट्रियोस ठीक है कोनस आर्ट्रियोस या ट्रंकस आर्टरियोसस वेंट्रल साइड पर पहले एनसीआरटी का वाला ही टर्म यूज करूं कोनस कोनस या ट्रंकस आर्ट्रियोस किस साइड में होगा ये कोनस या ट्रंकस आट्रियोसस? किस साइड में बताओगे आप बताओ किस साइड बताने वाले उसको आप ये होता है बेटा वेंट्रल साइड वेंट्रल साइड ये वेंट्रल साइड में होगा वेंट्रल साइड ठीक है यानी एक हर्ट के हार्ट के आगे चिपका हुआ है वो आर्टेरियोसस है एक हार्ट के पीछे चिपका हुआ है वो वेनोसस है ये हार्ट जो तीन चैम्बर वाला था उसको हटा दिया मैंने यानी हार्ट के पास दो एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं एक वेनस आर्टेरियोसस एक ट्रंकस एक साइनस वेनोसस क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक ट्रंकस आर्टेरियोसस एक आगे है एक पीछे है एक वेंट्रल साइड पर है एक डोर्सल साइड पर है समझ पाए नहीं समझ पाए हाँ बेटा एक वेंट्रल है एक डोर्सल है ये समझने वाला पॉइंट है और समझना पड़ेगा समझे आई या नहीं आई जबरदस्त नो no डाउट बच्चे बहुत सीरियस है और ऐसा ही चाहिए मुझे जबरदस्त बहुत बढ़िया बेटा ठीक है तो साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस इट इज आल्सो कॉल कोनस आर्टेरियोसस ठीक है तो पोजीशन समझ में आ गई थ्री चैम्बर हार्ट है फिर यहां से मिक्स्ड ब्लड कैसा मिक्स्ड ब्लड इस ओपनिंग से कनेक्ट यहां कनेक्ट होता है सीधा कहाँ जाएगा कोनस में और कोनस से कहाँ जाएगा सीधा ये इन ये एवर्ता। एवर्ता। ये क्या? क्या? भी ठीक है लेफ्ट और राइट एटा मिलकर के कॉमन डोरसलोटा बनाएंगे ये पूरी बॉडी में चला जाएगा लेकर के समझे या नहीं समझे अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट अब एक चीज और बताऊंगा बहुत तगड़ी चीज है बेटा ठीक है इसका पोर्टल सिस्टम पोर्टल सिस्टम क्या है देखो ठीक है तो अभी मैं एक एक चीज लेके चल रहा हूं एनसीआरटी को एक एक लाइन यहां तक क्लियर था एनसीआरटी के अंदर ये भी क्लियर हो गया चैम्बर एनसीआरटी के अब आगे बढ़ते हैं ऑफ हार्ट ठीक है ये थ्री चैम्बर हार्ट हो गया थ्री चैम्बर ठीक है थ्री चैम्बर हार्ट हो गया इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आगे बढ़ते हैं हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है बाय द आर्टरीज़, आर्टरियल सिस्टम ठीक है द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म्स वेना सिस्टम यह आपको नॉर्मल लाइन है स्पेशल स्पेशल वेन्स कनेक्ट बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज

क्या है हिपैटिक एंड रीनल पोटर सिस्टम समझो समझने की कोशिश करना ठीक है अभी मैंने डायग्राम बताया था आपको कि बॉडी के अपर पार्ट से ये आया ये आया वेना तो कहवा ये वेना कहवा नीचे गई ठीक है और यहां से किडनी से जुड़ जाएगी ये पता है ना किडनी से जुड़ जाएगी तीन दिखाते हैं बहुत इतने सफिशियंट है ये किडनी से जुड़ गई वैना कहवा किडनी से किडनी से किडनी से ठीक <ठेह> है ये जुड़ गई अब दोनों किडनी दिखा देते हैं भाई एक किडनी ये रही एक किडनी ये रही ठीक है ये जुड़े हुए किडनी से वह ना ठीक है अब समझना समझने की कोशिश जरूर करना ठीक है अब क्या होता है अच्छा किडनी को हमने ग्रीन से दिखा दिया कोई दिक्कत नहीं किडनी को येलो से दिखा दिया वाह वाह याद नई चीज मालूम पड़ी ठीक है, है? समझने किडनी को दिखा दिया अब समझना होता क्या है <laughs> बॉडी <coughs> के लोअर पार्ट से वेंस आते हैं बॉडी के लोअर पार्ट से वेन्स आते हैं बॉडी के लोअर पार्ट से वेन्स आते हैं वेन है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पहले मैं टिश्यू भी दिखा दू आपको बॉडी के लोअर पार्ट में टिश्यू है ये टिश्यू है ये टिश्यू है ये कोई और टिश्यू है टिश्यू बॉडी टिश्यू टिशू तो बॉडी के लोअर पार्ट से कैपिलरी का नेटवर्क समझना बॉडी के लोअर पार्ट से कैपिलरी का नेटवर्क ये कैपिलरी का नेटवर्क ये कैपिलरी का नेटवर्क मिलकर के ये वेन बनाता है ये वेन आए ये घूमे ये घूमे और ये सीधा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किडनी में गए, ये गए किडनी के अंदर देखो कैसे समझ नहीं आएगा ये ये किडनी में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है कैपिलरी से बना कैपिलरी में टूटा सेम ऐसे ही किडनी से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे समझ आ ये 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 कलेक्ट हुआ और सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ ये किडनी में एंटर किया यहाँ से होता हुआ ये किडनी में एंटर किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ गए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की किडनी में एंट्री हो रही है टिश्यू से कैपिलरी से टूट के कैपिलरी, कैपिलरी से टूट के कैपिलरी, ये तो जितनी भी वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर वो कैपिलरी से बनती है सीधे हार्ट में खुलती है समझना मेरी बात ऑल वेन्स विदाउट एक्सेप्शन ओपन समझ रहे हो ओपन कहां से होते हैं ओपन फ्रॉम कैपिलरी ठीक है इनिशिएट फ्रॉम कैपिलरी ओपन इन कैपिलरी तो ये पोर्टल वेन होते हैं पर जो किडनी से जुड़ा हुआ ये किडनी है ये किडनी है ये भी किडनी है तो किडनी और टिश्यू के बीच में कनेक्शन होता है इस कनेक्शन को बोलते हैं बेटा मैं यहां देता हूं इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम कौन बना रहा है रीनल पोर्टल सिस्टम को रीनल बेन बना रही है रीन रीनल बेन हो गई ऐसे ही, ऐसे ही ही आपका डाइजेस्ट फ्रॉक का डाइजेस्टिव ट्रैक भी तो होगा ठीक है यहां लिवर होता है लिवर मान लो लिवर है लिवर है इसका लिवर लिवर है समझना और ये फ्रॉक का ईसोफेगस है समझना फ्रॉक ईसोफेगस है जो कहां खुल रही है स्टमक में खुल रही है स्टमक से इंटस्टाइन आ गई इंटस्टाइन फाइनली समझ रहे हो क्लोएका के थ्रू ठीक है बाहर खुल रही है तो ये आप समझना ये तो ओरिजिनल पोटर सिस्टम हो गया अब यहां से भी भाई स्टमक से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है स्टमक से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है ये स्टार्ट हुआ ठीक है इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन चल रहा है ये स्टार्ट हुआ ये ये स्टार्ट हुआ ये सारी वेन्स आपस में मिलती हैं ये सारी वेन्स आपस में आगे जाकर के मिलती हैं और मिलकर के ये सीधा लिवर में जाती हैं और लिवर में फिर कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है समझ रहे हो यानी इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में सिस्टम मिल रहा है ना लिवर को हम क्या बोलते हैं हिपार हिपार तो इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल वेन हेपेटिक पोर्टल वेन तो एक्चुअल में हमारे अंदर भी हिपेटिक पोटल सिस्टम होता है ठीक है हम जो भी खाते हैं गट से एब्जॉर्व होकर पहले लिवर में जाता है तब लिवर से पूरी बॉडी में जाता है हमारे अंदर हिपेटिक सिस्टम होता है और मैंने पढ़ाई भी था ठीक है पर

ठीक है साइनस वेनोसस में जाता है साइनस साइनस वेनोसस और साइनस वेनोसस कहां इसको एंटर कराता है ये एंटर कराता है इसको राइट राइट एट्रिया के अंदर हर्ट के राइट एट्रिया में समझ रहे हो तो हर्ट के राइट एट्रिया में समझना पहले ब्लड कहां जाएगा टिश्यू का ब्लड पोर्टल सिस्टम के थ्रू किडनी में किडनी फिल्टर करके मैक्सिमम इंप्योरिटीज को निकाल देंगे जिससे कि समझ रहे हो ना मेरी बात दिक्कत ना आए फिर यहां से सीधा राइट right एट्रिया फिर राइट right एट्रिया से समझ रहे हो वेंट्रिकल क्लियर बिल्कुल समझ रहे है मेरी बात उधर से सेम घूम करके कहां से आ रहा है आप बोलोगे लंग से भी घूम के आ रहा है वेंट्रिकल और सीधा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी मिक्स्ड ब्लड समझ में आया ना आया तो इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं अब समझ में आएगी स्पेशल तो सिस्टम बताओ अब बताओ हार्ट का पोर्टल सिस्टम का कंसेप्ट सेट हुआ या नहीं हुआ वास्तव में अगर हुआ ना तो दिल से आग लगनी चाहिए यार अगर वास्तव में हुआ तो दिल से आग लगाओ दिल से तुम्हारे लिए देखो अगर मैं आऊंगा तो आधा अधूरा नहीं आऊंगा लेके आऊंगा पूरा कंसेप्ट पूरी चीजें लेकर के आऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर करके ही जाऊंगा ठीक है ये हमेशा का मेरा रहा है मस्त मजा आ गया बहुत बढ़िया बस यही सुपर यार दिल से आग तो लगा दो यार आग लगाने में कंजूसी मत करना लगनी चाहिए जबरदस्त वाली यार एक ही चीज तो मांगते हैं दिल से आग ठीक है बहुत बढ़िया सुपर जबरदस्त बात ठीक है ब्लड इज कम्पोज ऑफ ब्लड हमारी तरह अब है कुछ नहीं है, है? Of, है, कुछ है, नहीं है इसके अंदर कंपोज ऑफ ब्लड किससे मिलके बना होता है देखो ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल प्लाज्मा होता है इसमें और सेल्स होते हैं हमारे अंदर ही प्लाज्मा सेल्स होते हैं ठीक है या तो हमारे ब्लड में फिफ्टी तो में, है, है? में क्या क्या होंगे, होंगे है? और, और प्लेटिलेट्स होते हैं हमारे अंदर होते हैं इसके पास भी होते हैं हाँ आरबीसी की अगर कर बात करते हैं तो न्यूक्लेटेड होते हैं ओवल शेप होते हैं ठीक है, है? रेड कलर पिगमेंट इनके अंदर होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन यहां पर प्रेजेंट होता है मैंने आगिल सब सारी बताएंगे लिख दी है लिंफ की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड से थोड़ा अंतर होता है लिंफ के अंदर क्या अंतर होता है लिंफ के अंदर क्या नहीं होता प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते ये मैंने लिख दिया ये लिंफ में डिफरेंस है द ब्लड कैरी न्यूट्री एंडर टू द रिस्पेक्टिव साइड ऑफ ड्यूरिंग द सर्कुलेशन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट ठीक है सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर एड कर दिए हैं सारे पॉइंट्स मैंने एड कर दिए ये पूरा समरी है पूरी एनसीआर की समरी यह छाप दी है यहां पर ठीक है समझाने वाले पार्ट ये दो थे समझ में आ गए होंगे और पोर्टल सिस्टम था समझ में आ गया होगा ठीक है खत्म फिनिश अब आते हैं एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम सिस्टम पर सिंपल सा है है दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं नहीं इसमें ठीक है भाई कॉकरोच के पास सॉरी कॉकरोच बोल गया फ्रॉक के पास किडनी तो होते हैं ना भाई होते हैं ठीक है, है? हमारे जैसे किडनी नहीं होते पर किडनी होते हैं डायग्राम बना चुका हूं किडनी का मैं ठीक है मीजो किडनी होती है समझ रहे हो मतलब उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं ना उनमें वेल डेवलप्ड लूप ऑफ हैंडले नहीं होता किडनी थ्री टाइप की होती है प्रोनेफ्रिक मिजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक तो फ्रॉग में मिजोनेफ्रिक किडनी होती है ठीक है जिसमें लूप ऑफ हैंडले नहीं होता बस ये अंतर होता है ठीक है और जो फ्रॉग होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया होता है सिंपल सी बात ठीक है चलो बस ये दो चीजें याद रखनी है तो द शन ऑफ नाइट्रोजनस वेल डेवलप एक्सुटरी से मिलकर बना होता है किडनी से यूरिटर निकल रहे होते हैं जो कहा खुल रहे होते हैं क्लोएका और क्लोएका में कौन खुलता है यूरिनरी ब्लेडर ठीक है दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड पोजिशन दे रखना ियर इन बॉडी कैबिटी हमारे अंदर भी पीछे की साइड में होता है वर्टिवल कॉलम ईच किडनी किडनी की हमारी फंक्शनल यूनिट क्या बताओ यूरिन फ्रेस्ट्रीब्यूल इसमें भी यूरिनी फ्रेस्ट्रीब्यूल जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं ठीक है थीके? समझ रहे हो पर ये मीजो नेफ्रिक होंगे मीजो नेफ्रिक हमारे मेटा नेफ्रिक होते हैं मीजो मीजो नेफ्रिक जिसमें लूप ऑफ एनले नहीं होता वो मीजो नेफ्रिक है समझ रहे हो जिसमें वुमेन्स कैप्सूल नहीं होता वो प्रो नेफ्रिक है जिसके अंदर तीनों चीजें होती हैं ग्लोमेरुलस वोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ एनले वो मेटानेफ्रिक है हमारे अंदर मेटानेफ्रिक होती है ठीक है ठीक है किडनीज मेल फ्रॉक ठीक है अब टू यूरिटर्स इमर्स फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉक मेल फ्रॉक में प्रॉपर तरीके से यूरिटर निकलते हैं ठीक है ठेके? मेल और फीमेल में अंतर बताऊंगा आपको मैं इन फीमेल हाँ दीज यूरिटर्स एक्ट एज अब देखो मेल के अंदर मेल के अंदर इन यूरिटर्स को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल जो क्लोएका में ओपन करती है क्योंकि इन यूरिटर से भी भी निकलते हैं और यूरिन अभी डायग्राम में बताने वाला हूं रिप्रोडक्शन के अंदर ठीक है जबकि फीमेल की अगर बात करूं ना फीमेल में यूरिटर अलग होते हैं और ओवीडक्ट अलग होती है सेपरेटली क्लोएका में खुलती है ठीक है समझाई देता हूं ना इस वाली बात को तुरंत एकदम क्लियर कट करके देखो अगर मैं मेल की बात कर रहा हूं ये मेल की बात चल रहे हैं हम बात कर रहे हैं मेल की मेल की बात कर रहे हैं ठीक है तो मेल में ध्यान से देखो टेस्टीज कहा किडनी के ऊपर ही है टेस्टीज इनके चारों तरफ फैट बॉडीज होते हैं जो इनको धक्कों से बचाते हैं शॉक एब्जॉर्बन करते हैं ठीक है टेस्टीज अब टेस्टीज कहा किडनी के अंदर नहीं खुल रहे समझना

गैमिट भी आ रहे हैं क्लोएका के अंदर और किडनी से फिल्ट्रेट यूरिन भी आ रही है समझना मेरी बात इसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं इसमें गैमिट्स प्लस मेल गैमिट्स मेल गैमिट्स प्लस यूरिन दोनों इसके अंदर पास होते हैं इसलिए इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता फीमेल में ऐसा नहीं होता ध्यान से देखो फीमेल में फीमेल में ध्यान से देखो तो किडनी अलग है यूरिटर अलग है जबकि जेनाइटल डक्ट ध्यान से देखो ये जेनाइटल डक्ट जी आ रही है ये जेनाइटल डक्ट जेनाइटल डक्ट अलग है जेनाइटल डक्ट अलग है भाई ओ ओवी डक दिख रही है ठीक है ये ओवी डक यहां से होते हुए होते हुए

ये डॉर्सल साइड है रेक्टम की ये वेंट्रल साइड है तो कहां पर होता है यूरिनरी ब्लैडर वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम रेक्टम के वेंट्रल साइड में होता है सॉरी, रेक्टम के वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है विच ऑल्सो ओपन इन द्लोएका ये भी क्लोइा में ओपन करता है ठीक है अब फ्रॉक के केस में बात करेंगे यूरियो होता है क्योंकि इसका एक्सिस्टेंस यूरिया होता है <laughs> यहां तक कोई डाउट सिस्टम कंप्लीट अब सिस्टम, एंडोक्राइन में नाम याद रखने और कुछ भी नहीं है ओनली नेम कौन से ग्लैंड क्योंकि यहां पर भी और काम कर रहे हैं। मिलके काम कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में पिटीटरी आपको ध्यान रखनी है थायरॉइड नाम ध्यान रखना है बस थाइड होती है इसके पास हमारी तरह पैराथायर भी थाइमस भी इसके पास होती है पीनियल बॉडी भी इसके पास होती है पेनक्रियास भी, भी इसके पास होता है जो हॉर्मोन रिलीज कर लेता है में भी क्या आइलेट्स ऑफ लैंगर है ग्लैंड भी इसके पास होती है और गोनेट तो उसके पास होते ही हैं, यानी जो हमारे पास है वो इसके पास है पूरा डेवलप सिस्टम है बस नाम याद रखना है इसके अंदर। जबकि नर्वस सिस्टम की बात करूं ना तो सेम अपनी तरह अपनी तरह, अपनी तरह। कैसे देखो सॉरी <laughs> 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 <Sorry. laughs> अगर नर्वस सिस्टम की बात करें हमारे नर्वस सिस्टम को तो दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस और पीएनएस इसको भी हमने डिवाइड कर दिया सी एन एस एंड पीएनएस सेम अपनी तरह याद आ गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों के मिलने से बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड हमारे अंदर भी ब्रेन स्पाइनल कोड होता है इसके पास भी ब्रेन स्पाइनल कोड है हाँ पीएनएस याद आ गया होगा इसमें दो चीजें होती हैं पीएनएस के अंदर इट द नेटवर्क ऑफ न्यूरोन इसमें दो टाइप के नर्व होते हैं क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व होते हैं एंड स्पाइनल नर्व होते हैं हमारे अंदर भी तो और स्पाइनल नर्व थे याद आ गया होगा हमारे अंदर क्रीनियल नर्व पेयर थे यहां क्रीनियल नर्व टेन पेयर 10 टेन पेयर हमारे अंदर स्पाइनल थे ये पेर होते हैं टेन पेयर अभी कम है हमसे कम है इसके अंदर ठीक है समझना ये तो नर्व इससे मिलकर के पीएनएस बनता है और पीएनएस के भी दो पार्ट होते हैं पीएनएस के दो पार्ट होते हैं ये आप जानते हो कौन कौन से पार्ट होते हैं एस एन एस नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं है और ऑटोनॉमिक के मैंने दो पार्ट बताए थे अपने अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरा पैरा बिल्कुल अपनी तरह जो मैंने अपने में पढ़ाया था वही यहां बता रहा हूं बस अंतर क्या आ गया अपने अंदर पेयर टर्टी वन पेयर थे पेयर 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 हैं 10 pair, 10 pair, बस खत्म ये तो अपना वाला याद है ना वही मैंने यहां बताया है ठीक है यही है अब मैं एनसीआर पर आ रहा हूं ये ये तो बेसिक मैंने बता दिया होता है अब देखो यहां तक खत्म हो गया अब यहां से स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम ठीक है तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो क्या क्या होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया समझ में आ गया होगा पेरीफल नर्वस सिस्टम है पेरीफल नर्वस सिस्टम में क्रीनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आगे कितने कितने होते हैं लिख दिए मैंने ठीक है फिर आ जाओ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व आगे ठीक है समझ रहे ना मेरी बात ठीक है सोमेटिक्स में नहीं दे रखा कोई नहीं दे आर टेन पेयर ऑफ क्रीनियल नर्व अच्छा दे रखा टेन पेयर हमने लिख भी दिया टेन पेयर

और अनपेयर होता है हमारे अंदर भी एक ही होता है इसके पास भी है। और के आपको तीन पार्ट बताए थे जबकि मिड ब्रेन में मिड ब्रेन के अंदर आपको ध्यान रखना है ऑप्टिक लोब्स पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब जबकि हमारे मिड ब्रेन में क्या था कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना ठीक है ऑप्टिक मतलब विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स याद आ गया होगा बस इतना सा है बस पेयर्स ऑफ ऑप्टिक लो बस हाइंड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो हाइंड ब्रेन में हमारे अंदर तीन चीजें बताई थी मैंने पॉन्स मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम तो यहां दो चीजें हैं ठीक है थीके? एक तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा आई बेटा खत्म फिनिश बिल्कुल डिटो अपनी तरह बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है बस चेंज जो है जो आपको ध्यान रखना है टेन पेयर टेन पेयर और टेन पेयर ये एक नया पॉइंट ऐड किया बात बाकी के तो सब कुछ कॉमन है अपना याद है तो उसका अपने आप याद हो गया टेन टेन पेयर आपको याद रखना है बस ठीक है थ्रो द फोरामैन अब जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है हमारे अंदर भी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा खोपड़ी में एक होल होता है पीछे फोरा

ठीक है फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी organ आप जानते हो उसके पास क्या होता है एक तो टच करने के लिए माउथ पर सेंसरी पेपिले लगे होते हैं नहीं कोई भी जो छूता है टच करता है सेंसरी पेपले सेंसेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं ठीक है टेस्ट गस्टेटरी टेस्ट गस्टेटरी बर्ड्स होते हैं इसके पास समझ रहे हो स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री नेजल एपिथेलियम होती है इसके पास हमारी तरह देखने के लिए आंखें होती हैं विजन के लिए हमारी तरह सुनने के लिए टिम्पेनम होता है इंटरनल ईयर के अंदर ठीक है सॉरी एक्सटर्नल ईयर के अंदर विद इंटरनल ईयर और इंटरनल ईयर का, का काम बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों है हमारी तरह ठीक है आउट ऑफ दिस ठीक है अब मैं अगर मैं आईज और ईयर की बात करूं तो आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड आर रेस्ट आर द ठीक है सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग

एक्सटर्नल ईयर एबसेंट इन फ्रॉग फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते बस टिम्पेनम होता है इसी को आप एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हो जो मैंने लिखा दिया है आगे ठीक है और ईयर की बात करूं तो हमारे ईयर का भी काम क्या होते हैं भाई हेयरिंग एंड बैलेंसिंग इसके ईयर का भी काम है हेयरिंग एंड बैलेंसिंग सिंपल अपने से कंपेरिजन कर तो हो गया याद ठीक है कोई पॉइंट ऐसा नजर आया जो अपने अंदर इसके अंदर बहुत डिफरेंट नजर आ रहा हो कुछ भी नहीं है ईयर में अंतर था तो ईयर का अंतर मैंने लिखा दिया है हमारे अंदर मिडिल ईयर में थ्री ईयर ऑसिकल्स होते हैं इसमें एक ही ईयर ऑसिकल होता है हमारा इंटरनल ईयर बैलेंसिंग और हियरिंग का काम का का करता है इसका भी वही काम करता है हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल होती है इसके अंदर सिर्फ टिम्पेनम होता है जो मैंने बता दिया एनी डाउट जबरदस्त तरीके से अब आ दो तो, हां आ गए भाई लास्ट पर आ गए किनारे पे आ गई गाड़ी लास्ट बचाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे के सारे अलर्ट हो जाओ समझने वाला फिर से समझने वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलर्ट रेड सिग्नल ठीक है समझना है नीट में क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आया था और इस पर अक्सर कर क्वेश्चन बनते भी हैं ठीक है, है। पुराने क्वेश्चन देखोगे ना पहले दस साल पहले इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं काफी ठीक है हाँ भाई जुड़ लो सारे के सारे आ जाओ वापस ठीक है हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब मैं समझाऊंगा पहले तब यहां डिस्कस करूंगा आपसे बहुत सिंपल है समझना देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले टेस्टीज टेस्टीज में क्या होते हैं सेमिनी हमारे वाला याद करो ठीक है सेमनी इसमें क्या होती है स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पम इसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्म्स का बनते हैं सेमिनी फेस्टिब्यूल में ठीक है टेस्टीज में फिर सेमिनी फेस्टिब्यूल यानी टेस्टीज जुड़े किससे होते हैं आप बोलोगे वासा इफोरसिया वासा इफ्रेंसिया कितने वासा इफ्रेंसिया होंगे यहां पर वही दस से बारह हमारे अंदर भी दस से बारह होते हैं पर हमारे अंदर जो वासा इफ्रेंसिया होते हैं वो एपी डिडाइमिस से जुड़े होते हैं याद आ गया होगा इसके पास एपी डिडाइमिस नहीं है ठीक है बस समझो इसके वासा इफ्रेंसिया एपी डिडाइमिस की वजह जुड़े होते हैं एक नेटवर्क ऑफ कैनाल नेटवर्क ऑफ कैनाल इसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल क्या बोलते हैं इसको बिडर्स कैनाल ये बिडर्स कैनाल ठीक है समझना इनसे सीमन होता हुआ होता हुआ होता हुआ होता हुआ यूरिनो जेनाटल डक्ट में चला जाता है बिडर्स कैनाल कहां खोलते हैं यूरिनो यू रीनो जनाइटल डक्ट यूरिनो जेनाइटल डक्ट और यह कहां खोलती है यूरिनो जेनाइटल डक्ट फाइनली जाकर के आप बोलोगे खुल रही है क्लोएका 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 में क्लोएका और क्लोएका से सीमन बाहर निकल जाता है ये बस आपको याद रखना है सिंपल ठीक है टेस्टीज वन पेयर होते हैं वन पेयर होते हैं इनके ऊपर फैट बॉडीज इनको प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है ये वासा इफरेंसिया इनसे कनेक्टेड होती हैं टेस्टिस की आउटर पेरीफेरी पर नेटवर्क ऑफ कैनाल बीडर्स कैनाल में वासा इफरेंसिया से स्पर्म एंटर करते हैं और यहां से होते हुए क्लोइका से बाहर निकल जाते हैं सिंपल ठीक है और समझना मेरी बात एड्रिनल ग्लैंड देखो ये एड्रिनल ग्लैंड यहां दिखा रखी है इन्होंने ठीक है याद हो हमारी किडनी में भी एड्रिनल ग्लैंड थी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड थी तो इन्होंने क्या किया किडनी के ऊपर एड्रिनल की, की जगह बैठा लिया टेस्टिस को और एड्रिनल को अंदर कर लिया ये एड्रिनल ये ग्लैंड अंदर, अंदर चले गए बीडर्स का नेटवर्क चारों तरफ आ गया टेस्टिस कनेक्टेड हो गए क्लियर है बिल्कुल अब बता कोई डाउट शाउट है यार एकदम कंसेप्ट सेट होना चाहिए यानी यहां से अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है यहां से यूरिन यूरिन जो थोड़ी बहुत यूरिन इसमें भी कलेक्ट हो जाती है ब्लडर के अंदर ठीक है और सीमन आ रहा है फाइनली क्लोएका से तीनों चीजें निकल रही हैं यूरिन सीमन और अनडाइजेस्टिड फूड तीनों निकल रही हैं इसके लिए कॉमन ओपनिंग है क्लोएका ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मैं कंपेरिजन फीमेल से करता हूं अभी एनसीआरटी की बात नहीं कर रहा हूं कंपेरिजन फीमेल से करता हूं तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है समझना ये थोड़ा सा इन्होंने एनसीआरटी ने थोड़ा क्या कर दिया पता नहीं घुमा दिया ये ओवरी है इस ओवरी में होते हैं ओवा ओवरी में भरे हैं ओवा और अगर मैं ओवी डक्ट की बात करता हूं फनल से स्ट्रक्चर है ओवी डक्ट, ये ऐसे ये फनल दिखा दे तो यहां पर ठीक है ये ऐसे अब आप दिखा सकते हो ये फनल से स्ट्रक्चर ऐसे नीचे होता है थोड़ा ऊपर कर दिया इन्होंने और कुछ नहीं है ऐसे ठीक है समझ में आ गया होगा ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा ऊपर कर दिया इन्होंने बस ऐसे समझो खोल दिया है थोड़ा सा भाई देख लो ऐसा होता है ठीक है तो ये क्या हो गया ओवी डक्ट हो गई ठीक है ठीक है अब यहाँ यूरिटर से कोई संबंध नहीं है ठीक है और यही आगे आगे जनरटल डक्ट कहलाएगी सेपरेट है यूरिटर अलग है और ये अलग है यानी यहां पर इनसे कोई मतलब नहीं है यहां से ओवा इसमें एंटर कर जाएंगे ओवा ओवा फीमेल गैमिट मतलब यहां से इसमें एंटर करते हुए ये एंटर करते हुए फाइनली कहां खोलेंगे क्लोएका में क्योंकि तो इसके पास भी क्लोएका है सेम वही सीधा क्लोएका में ओपन करते हैं आकर के ठीक है तो ये अलग है बात बाकी का तो सेम ही है ठीक है वही इसके अंदर किडनी है बिडर्स के नल अंदर नहीं मिलेंगे ऊपर टेस्टिस नहीं मिलेंगे ऊपर फैट बॉडीज प्रोटेक्शन के लिए हो गए यूरिटर सेपरेट है ठीक है यूरिटर से ओनली और ओनली यूरिन पास होगी ठीक है ओनली यूरिन ठीक है तो क्योंकि ओवा के लिए सेपरेट डक्ट खुल रही है ठीक तो है तो यहां पर ध्यान रखना अनडाइजेस्टेड फूड की ओपनिंग हो रही है यूरिन की ओपनिंग हो रही है समझ रहे हो और जेंडर पार्ट की ओपनिंग हो रही है और यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग हो रही है फाइनल क्लोका से बाहर ये अंतर होता है मेल और फीमेल में और कोई अंतर नहीं होता <laughs> अब अल्लाह समझ में आया नहीं आया अब मैं आ रहा हूं वापस देखो फ्रॉग हैव अ वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा अ पेयर ऑफ येलोइश ठीक है ठीक है विच आर फाउंड ठीक है और किससे जुड़े होते हैं किडनी के ऊपर चुपके होते हैं एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इस पेरिटोनियम के डबल फोल्ड को मिजोर्चियम बोलते हैं मिजोर्चियम याद रखना है आपको वेरी इंपॉर्टेंट मिजोर्चियम मिजोर्चियम दिखा देता हूं मैं ठीक है यहां पर मिजोर्चियम होता है जो उसको एकदम मतलब बांध के कवर करके रखता है मिजोर्चियम मैं लिख देता हूं मिजोर्चियम मिजोर्शियम ठीक मिस जॉर्चियम याद रखना है आपको मिस जॉर्चियम कहा गया ठीक है मिजोरचियम जॉर्चियम क्या है पेरिटोनियम मिजोरचियम क्या है मिजोरचियम पेरिटोनियम मिजोरचियम बोलो या पेरिटोनियम बोलो एक ही बात है पेरी टोनियम पेरिटोनियम तो समझते हो ना पेरिटोनियम एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है ठीक है जो हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन होते हैं उनको कवर्ड करता है, आया आया? पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम है किडनी को अच्छी तरीके से जकड़ के सॉरी टेस्टिस को किडनी के साथ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विसरल विसरा में देखने को मिलती है ठीक वासा है वासाईफ्रेंसिया कितने होते हैं वासा इफ्रेंसिया बताए थे मैंने दस से बारह होते हैं ठीक है

ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू टू द क्लोएका क्लोएका में ओपन करते हैं क्लियर है बिल्कुल क्लोएका में क्या क्या होता है भाई क्लोएका से पास होता है फीकल मैटर यूरिन भी पास होती है और स्पम भी पास होते हैं तो क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनिटेलिया फीकल मैटर और यूरिन एक्सक्रीटा है और ये गैमेट हो गए ठीक है ये पूरा डायग्राम हो गया खत्म फीमेल में द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरी डायग्राम में दिखाई दिया मैंने ओवरीज आर सिचुएटेड नियरली किडनी किडनी के पास होते हैं समझ जुड़े होते हैं किडनी से पर किडनी का संबंध नहीं होता उनसे कोई कनेक्शन नहीं होता वैसे और तरीके से ठीक है सिचुएटेड नियर द किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी जैसे टेस्टिस का कनेक्शन था इनका कोई कनेक्शन नहीं है अ पेयर ऑफ ओविडक्ट एराइज़ फ्रॉम ओवरी ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली सेपरेटली क्लोएका में ओपन करते हैं ये ठीक है ओवरी ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली अ मैच्योर फीमेल जब ब्रीडिंग सीजन आती है समझो ये खत्म हो गया जब ब्रीडिंग सीजन आता है बरसात का मौसम तो ब्रीडिंग सीजन एस्टिवेशन के बाद आएगा या हाइबरनेशन के बाद जरा बताओ ब्रीडिंग सीजन एस्टिवेशन के बाद आएगा या हाइबरनेशन के बाद देखो कितने लोग बता पाते हैं जल्दी बताओ आप क्वेश्चन करेंगे इसके बाद क्वेश्चन मजा आएगा क्वेश्चन में लाइव आ जाओ सारे के सारे देखते हैं किसकी कितनी स्पीड है हाँ लास्ट टॉपिक खत्म हो गया ये बस अब क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं जरा बताओ ब्रीडिंग सीजन हाइबरनेशन के बाद आएगा या एस्टिवेशन के बाद आएगा देखू क्या बताते हो अरे बोलो ना भाई ब्रीडिंग सीजन हाइबरनेशन के बाद आएगा या एस्टिवेशन के बाद ये बात पहला बच्चा कौन सा बच्चा है ये प्रिया सबसे पहला रिस्पॉन्स प्रिया ने दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ठीक है अगर ऑफलाइन क्लास होती तो उसको तो ट्रॉफी मिलती पक्की बात है ठीक है सबसे पहले प्रिया ने दिया है ठीक है पर कई बच्चों का नेटवर्क स्लो होता है इसलिए वो धीरे भी दे पाते हैं ठीक है इसलिए मेंटी में यही दिक्कत आती है कई बच्चों का नेटवर्क स्लो है कई का नेटवर्क फास्ट है ठीक है प्रिया ने बिल्कुल दिया है एस्टिवेशन हाइबरनेशन नहीं ठीक है गर्मियों के बाद बारिश होती है एस्टिवेशन के बाद ठीक है तो बारिश का सीजन आता है तो जो मेल फ्रॉग होता है वो पिकर साउंड प्रोड्यूस करता है वोकल सैक्स से ठीक है समझ रहे हो और फीमेल को अट्रैक्ट करता है समझ रहे हो द तो फीमेल अट्रैक्ट होती है यहां फीमेल डिसाइड करती है भाई क्या करना है ठीक है किससे ठीक है हर कोई नहीं ठीक है तो फीमेल डिसाइड करती है ठीक है ध्यान इनके पास कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है पर फिर भी ठीक है कॉपुलेशन होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है पर फिर भी कॉपुलेशन होता है कैसे होता है फीमेल का साइज बड़ा होता है मेल का साइज छोटा होता है ठीक है तो फीमेल के ऊपर मेल आता है और अपने कौन से पैड थे कॉपुलेटरी पैड तो मेल कॉपुलेटरी पैड से फीमेल को ग्रास्पिंग करता है टाइटली ठीक है ग्रास्पिंग करके उसको स्टूमुलेट करता है बस ठीक है उसके स्टूमुलेशन से फीमेल तेजी से ओवा रिलीज करना स्टार्ट करती है मेल सिर्फ उन ओवा के ऊपर स्पम को स्प्रे करता है ओनली स्प्रे देन फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पानी के अंदर इंटरनल कुछ भी नहीं है ठीक है ओनली वो सिर्फ समझ रहे ना अपने कॉपुलेटरी पैड से टाइटली पकड़ता है फीमेल को उसको एक्साइटेड करता है देन फीमेल ओवा रिलीज करती है वॉटर के अंदर वॉटर के अंदर ठीक है तेजी से और तेजी से एक बार में कितना ओवर रिलीज कर लेती है क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है लगभग ढाई हजार से तीन हजार ओवा एट अ टाइम फीमेल तेजी से रिलीज करती है ढाई से तीन हजार ओवा एट अ टाइम रिलीज करती है और उतनी तेजी से मेल उनके ऊपर स्पम को स्प्रे करता है फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो ठीक है फर्टिलाइजेशन कहा होगा एक्सटर्नल होगा पानी में होगा वाटर के अंदर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर चालू होता है डेवलपमेंट क्योंकि यहां पर तो मेटामोर्फोसिस मिलेगी तो डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ठीक है डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज टैडपोल क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ठीक है डेवलपमेंट कैसा होगा इनडायरेक्ट इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा समझ रहे हो लार्वा प्रेजेंट होगा लार्वा प्रेजेंट होगा ध्यान रखना यहां पर कौन सा लार्वा होगा क्या बोलते हैं लार्वा को पोल बोलते हैं पोल फिश लाइक होता है फिश लाइक होता है इसलिए गिल्स होते हैं इसके पास पोल ठीक है टैडपोल टैडपोल अंडर गो मेटामोर्फोसिस और मेटामोरफोसिस करके इसमें मेटामोर्फोसिस होती है मेटा मोरफोसिस और बनता है एडल्ट एडल्ट फ्रॉग ठीक है ये पूरी मैकेनिज्म है समझ में आ गई होगी यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होना चाहिए आपको फाइनली ये कवि क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैन काइंड हमारे लिए भी बढ़िया है ठीक है क्योंकि ये क्या करता है ये ईट करता है इंसेक्ट को एंड प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को क्योंकि जहाँ पर फसल उगती है वहाँ मिट्टी में मेढक होते हैं और वहाँ कीट पतंगे आके क्रॉप को नुकसान भी पहुँचाते हैं तो पकड़ पकड़ के इनकी बायलोप टंग से खा जाते हैं तो बढ़िया है हमारे लिए एक तरीके से हेल्पफुल है किसान का ठीक है और साथ में ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस क्योंकि आपने अगर इकोलॉजी पढ़ी हो तो यहाँ फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन इकोसिस्टम याद हो ठीक है ये इंसेक्ट को खा रहा है इसको स्नेक खा रहा है स्नेक को बर्ड्स खा रहे हैं समझ रहे ना? एक बनी हुई है ठीक है उसका एक पार्ट है फ्रॉग ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अलावा कुछ कंट्री वो आप जानते हो मोस्टली कौन सी कंट्री है ठीक है सभी को पता है वहां इसके मस्कुलर लैक को फूड में बहुत खाया जाता है बहुत मतलब बड़े पैमाने पर। इन बड़े पैमाने पैमाने पर पर इन इन की स्किन हटाई जाती है इनके जो मस्कुलर लैक्स होते हैं उनको तल तल के मतलब खूब मार्केट में सप्लाई होती है बड़े पैमाने पर समझ रहे हो तो पता पताइए चाइना के अंदर ये बहुत ज्यादा सप्लाई होती है इसकी अब बताओ समझ में आया नहीं आया ठीक है यस या नो फटाफट फड़ बताओ एक गुट पानी पीऊंगा उसके बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ रहे हैं धुआ सारे के सारे लाइव आ जाओ जितने आ सकते हो सारे के सारे आ जाओ भाई बस कुछ टाइम देना है तेजी से चलेगा ये सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का फास्ट चलेगा तेजी से चलेगा इसमें आप एनसीआरटी की लाइन को पकड़ना कहा मिस्टेक किया आपने है? मैंने पूरी एनसीआरटी की एक एक लाइन को बहुत कंसेप्चुअल कराया है अब समझ में आएगा कि कितना समझ में आया आपके ठीक है क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीआरटी की लाइन से उठाएं और थोड़ा टिल्ट करके उठाएं कुछ क्वेश्चन कुछ, कुछ, कुछ सिंपल हैं कुछ वाकई पकड़, पकड़ में, हाँ, में समझा है या नहीं समझा भाई लाइफ में है, पर और बढ़ाओ, जितना था इनिशियल वाला उतना हो पाएगा क्या कोशिश करो फिर आ रहे मजा आएगा एनसीआर बेस्ड ठीक है एफ वाई क्यू क्योंकि पीवा तो कई सालों से तो था ही नहीं सिलेबस में तो क्यू यूज नहीं करेंगे ठीक है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन यानी फ्यूचर में जो आ सकते हैं एनसीआरटी बेस्ड हाँ थोड़ा सा और और यार थोड़ा सा और बढ़ाओ भाई यार स्टूमुलेशन मिलता है यहां नंबर से ये नंबर बढ़ेगा तो स्टूमुलेशन मिलेगा वह आगे लगा दो कहीं से तो स्टमुलेशन दो यस सर बहुत सही करना स्टार्ट जबरदस्त आ जाओ भाई आ जाओ सारे के सारे आ जाओ तेजी से तेजी से आओ तेजी से हाँ बड़ा नंबर ठीक है बहुत सही थोड़ा सा और थोड़ा सा और पांच हजार पहुंचा दो बस पांच हजार पांच हजार लाइव का बस पहुंचा दो स्टार्ट कर देंगे बस पांच हजार लाइव में नंबर पहुंचा दो बस बहुत है मेरे लिए बहुत बढ़िया और बड़ा ठीक है थोड़ा सा और चलो पांच पांच तो पहुंचा दिए आपने चलो आ जाओ ठीक है एनसीआरटी बेस्ड एफ वाई क्यू फटाफट आ जाओ मुझसे पहले रिस्पॉन्स दोगे मुझसे पहले तब मजा आएगा ठीक है अब दो रिस्पॉन्स मुझसे पहले यस मुझसे पहले रिस्पॉन्स आ गया भाई पांच पांच सब पहुंचा दिया तुमने बहुत बढ़िया लगातार फाइव फाइव बहुत बढ़िया चलो ठीक है आ जाओ विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्रॉग फटाफट बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सब एनसीआरटी बेस्ड है कुछ टिल्टेड है इट लाइव बोथ ठीक है क्या पूछा है इन्होंने ट्रू पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अबाउट फ्रॉग इट लाइव बोथ ठीक है ऑन लैंड एंड इन सी वॉटर भाई सी वॉटर में नहीं मिलते दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वॉटर करते हैं सरवाइव राना टिगरीना इज द रेयर स्पीसीज इंडिया में मिलने वाली कॉमन स्पीसीज है दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया यस क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं डी ऑप्शन करेक्ट होगा मुझसे पहले बहुत बढ़िया जबरदस्त जबर जबर। सुपर आगे चलो विच ऑफ दीज मैथड आर यूटिलाइज बाय फ्रॉक फॉर ठीक है फॉर प्रोटेक्शन बताओ स्पीड ठीक है स्पाइक्स स्पाइक नहीं कांटे निकले होते हैं क्या ठीक है ंग डेड नहीं कई एनिमल होते हैं ना मतलब लग, लगता है, कि मर गया है तो ठीक है फिर एक्टिव हो भाग लेते हैं ठीक है नहीं भाई इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं करता ना तेज दौड़ पाता है ना पास स्पाइक्स होते हैं ना प्लेइंग डेड खेलता है मिमिक्री प्रोटेक्शन के लिए मेमिक्री कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी होती है विच ऑफ प्रोटेक्ट द आइस ऑफ द फ्रॉग इन वॉटर कौन सा स्ट्रक्चर है जब वॉटर में एंटर करता है ना लगा के जाता है ठीक है कौन सा स्ट्रक्चर है लगा के जाता है क्या है जरा बताओ बहुत बढ़िया निकटेटिन इट इज थर्ड आई ऑफ फ्रॉग निकटेटिन फ्रॉक्रेन जितने लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं इट इज अ थर्ड आई ऑफ फ्रॉग इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको ठीक है बस तेजी से मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो द दीफ द चीफ नाइट्रोजनस बेस्ड मेटेरियल प्रेजेंट इन दूर यूरिन ऑफ फ्रॉग फ्रॉक की यूरिन के अंदर मेनली कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड होता है जल्दी बताओ फ्रॉक की यूरिन में मेन कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड होता है यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया या और या एलेंटॉइस अरे भाई यूरिया क्योंकि यूरियोटेलिक होता है यूरियोटेलिक होता है विच ऑफ दी स्ट्रक्चर इन फ्रॉक रिसीव साउंड सिग्नल साउंड को कौन रिसीव करता है ना 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 आ, टिम पैनम टिम ईयर ड्रम साउंड को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मुझसे पहले मुझसे पहले मुझसे पहले ठीक है सारे क्वेश्चंस का रिस्पांस मुझसे पहले देना है मेल फ्रॉग कैन बी एक बात ध्यान रखना जितने भी सेशन लूंगा मैं द्रोणा के सब में मैं, मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ठीक है आप समझ रहे हो कुछ लोग क्या करते हैं बड़ा लिखते हैं क्या क्या अंदर कुछ भी नहीं होता ठीक है बट मैं पहले कह दे रहा हूं कि जितने सेशन लूंगा बहुत ताकत से लूंगा बहुत ताकत से ठीक है हर सेशन के अंदर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एकदम परफेक्ट कराने वाला हूं पूरी मास्टरी ठीक ठीक है 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 मतलब मतलब से सिलेक्शन करा के रहूंगा ये मेरी मतलब वादा है, सारे करा दूंगा ठीक है सारे फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन करा दूंगा ठीक है सारे कंसेप्ट दे दूंगा पर मुझे लाइव चाहिए बस और कुछ नहीं एक ही रिक्वेस्ट है ठीक है तो मैं लाइव में आना पड़ेगा जो जोश पैदा करेगा वही जोश ठीक है

आग लगाना है मिल करके ठीक है चलो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग बाय द प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल और फीमेल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को जरा बताओ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक यस कॉपुलेटरी पैक यस पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल दोनों में होते हैं ए एंड बी लगाओ डी आगे चलो हाउ मेनी ओवा आर ठीक है लेट बाई द फीमेल फ्रॉग एट अ टाइम एक बार में एक फीमेल कितने ओवा रिलीज कर सकती है अभी बताया था ठीक है टू फाइव डबल जीरो से थ्री ट्रिपल जीरो से तीन आर मेल फ्रॉग प्रेजेंट ये बहुत पूछा जाता था एक जमाने के अंदर बच्चा गलती करके आता था ठीक है बच्चा फोर लिम हाइंड लिम में कंफ्यूजन करता था ठीक है समझ रहे हो तो कहा मिलेंगे फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम या हाइंड लिम सेकेंड डिजिट डिजिट में नहीं होते फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्स नहीं होंगे फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स यस, सी, बहुत बच्चे गलती करते थे तो फोर ये होते हैं, हाइंड नीचे वाले होते हैं फोर लिम्स में होते हैं फोर डिजिट्स होते हैं पहली डिजिट पर लगे होते हैं ग्रास्पिंग के लिए फ्रॉग इज क्या है ओवीपेरस ओवीपेरस है भाई अंडे देता है ये तो ओवीपेरस अंडे देने वाला Respiratory organ ऑफ फ्रॉग स्किन है यस yes, लंग्स है यस बोथ एंड लगाओ अच्छा यहाँ पर एक और दे दे तो सब हो जाता है ठीक है बट सी लगाओ उसके किस में बकल कैबिटी भी होता है फ्रॉग हैव अ एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमी दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको कैमोफ्लैग भी बोल सकते हो और मिमिक्री भी बोल सकते हो पर कैमोफ्लैग दे रखा है इन्होंने इन फ्रॉग द ड्यूडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पेनक्रिएटिक अब मैक्सिमम बच्चे क्या लगा के आते हैं हेपेटो डक्ट पर ये गलत है आपको डायग्राम बना के समझाया है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट यहां गलती होती है मैक्सिमम केस में होती है मैक्सिमम बच्चा ये लगाता है पर एक्चुअल में क्या है ए ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर द फ्रॉग टेक शेल्टर इन डीप बोरो टू प्रोटेक्ट डेम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड एनसीआर के लाइन इनको क्या बोलते हैं रिस्पेक्टफुली बताना ठीक है समर और विंटर के अंदर तो समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन पहला ही मिल गया समर एस्टिवेशन ए मिल गया और विंटर को हाइबरनेशन इन वाटर द एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग एक्वाटिक कंडीशन में एक ही ऑर्गन होगा क्यूटेनियस वाटर के अंदर एक ही होगा हाँ लैंड पर होता तो स्किन भी होता लंग्स भी होता बक्कल कैबिटी भी होती समझ रहे हो ये लगाओ एक्वाटिक इन वाटर द एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन ओनली स्किन होगा

रेड कलर ट कॉल हीमोग्लोबिन सही है बट एक न्यूक्ट लिख दिया वहां पर अच्छा डायग्राम दे दिया है रिकॉग्नाइज द फिगर ए बी सी डी अब देखो आप समझ समझ जाना करो रिकॉग्नाइज ये क्या है क्लोएका यूरिनरी ब्लैडर ठीक है ये क्या है ओविडक्ट ये क्या है ओवरी आगे सारे के सारे ए ओवरी ए ओवरी यहां दे रखा ए ओवरी इसमें देखो ए यूरिनरी ब्लडर गलत हो गया ए का गलत हो गई ए एडक्ट गलत हो गई पहले भी मिल गया वैसे तो हमें ठीक है ए ओवरी ठीक है बी ए ओवरी बी ओवीडक्ट देखो बी ओवीडक्ट मिल गया डी देखो डी 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 यूरिनरी ब्लडर मिल गया सी देखो का मिल गई मिल गया ना कौन सा बी मिल गया हमें ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है पलमरिया गलत साइनस वेनोस रिसीव ब्लड फ्रॉम दैना कैबा पूरा डायग्राम बना के समझाया आप तो उसमें गलती करोगे ही नहीं वैना कैबा से एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस वो रिसीव करता करता है right करता है। frog, है है और राइट सप्लाई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट 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 अबाउट फ्रॉग फ्रॉग अंडरलाइन किया करो क्या पूछा पूछा ड्रिंक ठीक yes. yes, यस इन

ए में क्या आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ गया पीएनएस भी आ गया फिर पीएनएस के सब पार्ट होते हैं अच्छा फीमेल का दे रखा है रिकॉग्नाइज द फिगर फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग देखो क्या क्या है यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका मेल का पार्ट है यूरिनो डक्ट ए देखो ए यूरिनो जेनिटल डक्ट नहीं है ए ए मिल गया नहीं नहीं यूरिनरी ब्लैडर दे रखा है ये भी गलत है ए यूरिनो जेनिटल डक्ट ब्लैडर है नहीं है ए ए मिल गया बी देखो बी 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 क्लोएका बी क्लोएका है क्लोएका है सी देखो सी 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 रेक्टम है है। डी देखो डी यूरिनरी ब्लड है सी ऑप्शन मिल गया हमें डायग्राम इसलिए कहता हूं डायग्राम खुद बनाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड समझ रहे हो बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू यार मुझसे पहले लगाओगे ना तब सारा खेल स्पीड का है स्पीड और एक्यूरेसी समझ रहे हो ये टेस्टिंग होती है कि आप इतनी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एनसीआर एक एक क्लियर की है तो अब इसके बाद स्पीड और करने सुस्त ना मजा नहीं आएगा स्पीड स्पीड एक्यूरेसी के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन ब्रेन एंड स्पाइनल हाँ ठीक है ब्रेन स्पाइनल कोड ये लगा दो CNS. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक है है सी लगा दो भाई ऑटोनोमिक में दो आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक इन मेल फ्रॉग वासा ईफरेंशिया एंटर द किडनी एंड ओपन इनटू ओपन इनटू वीडर्स कैनाल दे रखा है ठीक है इन मेल फ्रॉग वासा ईफरेंशिया एंटर इन किडनी एंड ओपन इनटू वीडर्स कैनाल क्लियर है बिल्कुल डी लगा फ्रॉग आर हरबी बोर्ड्स है कार्नी बोर्ड है कार्बोर्स है कार्निबोर्ड्स है द लिक्विफाइड सेमी डाइजेस्टिड एसिडिक फूड इज नोन एज एनसीआर में दे रखा है C. <laughs> 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 बहुत स्पीड में कर रहा हूं ठीक है स्पीड में इसलिए कर रहा हूं तुम्हारी स्पीड भी तो मेनटेन रहे भाई समझ रहे हो हा बहुत बढ़िया सुपर एलिमेंट्री के नाल इन फ्रॉग टर्मिनेट इन टू कहां पर टर्मिनेट करती है एनसीआर टी के लाइन एलिमेंट्री ऑफ कैनाल ऑफ फ्रॉक टर्मिनेट इन टू बताओ कहां पर टर्मिनेट करती है रेक्टम क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम में टर्मिनेट करती है रेक्टम में जाके खुलेगी ठीक है एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम उसी का पार्ट है क्लोएका लगाओ क्लोएका में खुलेगी टर्मिनेट इन टू क्लोएका क्योंकि रेक्टम तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और फाइनली क्लोएका में आके खुलती है वो एनसीआरटी की लाइन भी है क्लोएका पेनकेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ किसके डाइजेशन में हेल्प करता है पेनकेटिक जूस बायल भी करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऑल ऑफ दीज डी लगाओ भाई डी ऑल ऑफ दीज एन सी आर टी के लाइन इन फ्रॉग यूरिन इज टेम्परेरी स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर फ्रॉग इज होम्योथर्मिक पोइक्लियोथर्मिक आपको समझ में आ गया होगा पोइक्लियोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड है हम सब वार्म ब्लडेड हैं बर्ड्स ब्लडेड होते हैं amphibia, reptiles, ठीक है, फिश कोल्ड ब्लडेड हैं। अगर बाहर के टेम्परेचर में एक्सट्रीम कंडीशन आएगी तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि झेल नहीं पाते क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होते समझे माय डियर चलो आ जाओ ओके, ठीक है देखो सेशन हमारा बढ़िया गया ठीक है आप लोगों ने अंतिम समय तक साथ दिया ठीक है तो द्रोणा सीरीज के अंदर थ्योरी और पीवाई क्यू और एफ तो हम कराते ही जाएंगे बेहतरीन तरीके से ठीक है ठीक है अब कल से आगाज हो रहा है ठीक है आगाज एक तो बता दू अगला जो द्रोणा का मेरा सेशन आ रहा है उसमें एवोल्यूशन आ रहा है अलर्ट रहना पूरी यूट्यूब पर अब तक का सबसे बेहतरीन सेशन होगा एवोल्यूशन का पक्की गारंटी है और मेरा कोई वीडियो भी नहीं पड़ा एवोल्यूशन का कहीं भी किसी भी जगह ठीक है पहला वीडियो होगा मेरा इवोल्यूशन का ठीक है पहला दूसरा बेटा कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है कह सकते हो संकल्प भारत का सबसे बेहतरीन कह सकते हो टेस्ट सीरीज ठीक है जिसको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है बेटा कल उसके तीन हम ऑनलाइन तीन ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं कल पहला ऑनलाइन है जिसका हम डिस्कशन भी कराने वाले हैं ठीक है तो कल जो टेस्ट होगा हम सब मिलकर के उसका डिस्कशन कराएंगे ठीक है कल से आगाज हो रहा है अभी तीन हम ट्रायल वाले ले रहे हैं ऑनलाइन वाले ठीक है उसमें आप अपनी एनालिसिस करोगे फिर ऑफलाइन सीरीज जो आपके घर पहुंचेगी ठीक है उसका चार नवंबर से आप स्टार्ट करोगे ठीक है हर टेस्ट में कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हुए होंगे जैसे कल के टेस्ट में कल के टेस्ट में आप क्या कर रहे हो आप टेस्ट दोगे फिर इसका ऑनलाइन हम डिस्कशन लेकर के आएंगे फिर आप अपनी एनालिसिस करोगे कि आपका 11th वाला पोर्शन कितना स्ट्रॉग है कल जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं है ठीक है कल जो तीन टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे सबके लिए फ्री हैं सारे बच्चे दे सकते हैं उसको ठीक है पहली बात ऑनलाइन टेस्ट को ठीक है उसमें आप एनालिसिस करोगे वो फ्री टेस्ट है ठीक है फिर ऑफलाइन सीरीज तब तक आपके घर पहुंच जाएगी ठीक है और फिर आप चार नवंबर से सेम पैटर्न में बिल्कुल एक एक टेस्ट के साथ साथ मिलकर के फिर ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जिन लोगों ने ले लिया है सुपर जबरदस्त मिल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए समझ रहे हो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एनसीईआरटी की लाइनें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी और एक्चुअल में मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज की हेल्प से हम लगभग पांच हजार क्वेश्चन

और उठा के स्टार्ट करते हैं चार नवंबर से ऑफलाइन सीरीज तो कल से आगाज कर रहे हैं ऑनलाइन का जो सबके लिए ओपन है है ठीक समझे बेटा तो मिलते हैं अगले द्रोणा के लेक्चर के अंदर इवोल्यूशन के अंदर थैंक यू ऑल द बेस्ट हाथ एक बार एक मिनट एक मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कल द्रोणा सीरीज के अंदर ठीक है सर्वेसर आ रहे हैं ठीक है थर्मो लेकर के आ रहे हैं ठीक है सर्वेसर आ रहे हैं शायद साइड टॉपिक थर्मो है ठीक है तो सब लोग मिल रहे हो कल शाम छह बजे थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर बिल्कुल संडे है कूल होकर के मस्त पढ़ना आज तो मैच था तब भी तुम डटे रहे यार बहुत बड़ी बात है कल तो मैच भी नहीं है ठीक है तो कल थर्मोडायनेमिक्स का सेशन होगा क्लियर बिल्कुल सारे के सारे आ रहे हो ठीक है संडे है मस्त होकर के थर्मो यहाँ सेट करेंगे ठीक है, है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट बाय ठीक है बाय बाय बाय